हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू ऑली बोर्ड एंड हि वी आर कंटिन्यूइंग आर ए आर डी मैराथॉन टू हंड्रेड क्वेश्चन पार्ट टू सो इन दिस टू हंड्रेड पार्ट वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन अर्लियर पार्ट हाउमच क्वेश्चनिश्ड सिंपल सी बात है हमने खत्म किए हंड्रेड क्वेश्चन और इन टोटल वो हंड्रेड क्वेश्चन अब खत्म करने के बाद अब हम खत्म करने वाले हैं रिमेनिंग जो हंड्रेड क्वेश्चन बचे वो हम खत्म करने वाले ठीक है अब जहां पर जो बात आती है कि अगेन आई रिपीट फॉर ऑल द न्यू कमर्स और वट एवर स्टूडेंट्स आर देर फर्स्ट थिंग आई मेक इट वेरी वेरी क्लियर ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट नाव वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू सी अ क्वेश्चन आई गिव यू सम टाइम टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड इफ यू गाइज विल गिव द एंसर्स विल गो फॉरवर्ड एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द एंसर्स देन वॉट बी डूइंग्राई टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि हम क्वेश्चन को डिस्कस करें okay now let's begin our marathon with our first question so let me give it to you the first question which we are discussing here about and that is in how many categories in how many categories in how many categories operational holdings were categorized according to the agricultural census agricultural census started in 71 1971 up till now 10 agricultural census have been carried out लेटेस्ट वन वॉज कैरिड आउट इन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्सटीन तो उसके अकॉर्डिंग कितनी एवरेज ऑपरेशनल होल्डिंग्स जो है वो कैटेगराइज की गई है कितने क्लासिफिकेशन में सो दैट इज द क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व द एंसर इफ एनी बडी नोज द एंसर ही कैन गिव द एंसर इन द कमेंट सेक्शन आई विल बी टेलिंग इट दैट इज इट करेक्ट और नॉट क्या वो सही है क्या वो गलत है वो मैं देखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा स एनी वन इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गिव द आंसर रीड वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू सी यस गुड आफ्टरनून आनंद गुड आफ्टरनून आनंद चलो जल्दी क्वेश्चन का आंसर करो क्विक क्विक जल्दी क्वेश्चन देखो क्वेश्चन का आंसर करो हमें जल्दी हंड्रेड क्वेश्चन खत्म करने इन टोटल वेरी रिच टूडेज ए आर डी मैराथॉन सेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट आई एम चैलेंजिंग यू ऑल दिस इज अ ओपन चैलेंज मैं आपको एक ओपन चैलेंज देता हूं वी विल स्टार्ट ओपन चैलेंज है ये वी विल स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन ओके इन बिटवीन वी विल हैव मॉडरेट क्वेश्चन और सही में बता रहा हूं एंड में जाएंगे ऑलमोस्ट लास्ट के सेवेंटी क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट इतने डिफिकल्ट है कि आप लोग आंसर ही नहीं कर पाओगे मॉडरेट ऑलमोस्ट पंद्रह ही है और इजी ऑलमोस्ट दस है ठीक है इन टोटल देखे जाए तो इस तरह से ये क्वांटिफिकेशन मैंने किया है सबका आंसर आंसर सी डी अब दो से फाइव एंड नाइन डी जो दीपक ने दिया है दीपक वेरी गुड हर बार की तरफ पिछली मैराथन में भी आपने दिया है गलत आंसर एक्चुअली अगर आप देखते हो तो आप सबको पता होना चाहिए ये कैटेगरीज सिंपल सी बात है

यस यस डी ही है डी ही है यस yes, डी ही है यस यस सॉरी डी ही है यू आर करेक्ट दीपक यू आर करेक्ट आनंद इज रॉन्ग ठीक है आनंद इज रॉन्ग आनंद ने सी दिया है ठीक है दीपक सही है आनंद आपका आंसर सॉरी टू से पर आपका आंसर गलत है दीपक वेरी गुड वेरी गुड अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आगे चलते हैं एज पर ट्वेंटी लाइव स्टॉक एक टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन को लेते हैं पिछले ए के पहले मैराथन में इन द फर्स्ट मैराथन ओनली आई स्ट्रेस्ट ऑन ट्वेंटी लाइफ स्टॉक सेंसस देर वेर वन टू क्वेश्चन ऑन ट्वेंटी लाइफ स्टॉक इफ यू वे रियली डेडिकेटेड इफ यू ऑल गाइज आर रियली वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट तो आप लोग क्या करते इसको ठीक से कर लेते तो उसी के बेस्ट, बेसिस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ बफेलोस पूछे गए हैं हमारी कंट्री में हाउ मच इज द नंबर नीलेष हैज गिवन द आंसर नीलेष सूर्यवंशी वेरी गुड anand also has given the answer I and mean, yes the answer is correct actually ye echo 109 buffalo's population population 2019 major census hua hai, livestock 20th livestock census 109.85 is the total populations of buffaloes i hope that we are clear here let us move forward in which state pasu Pand panduga cattle festival is celebrated to appease the gods for improving and protecting the livestock now ल टेल यू वन थिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज डन अलॉन्ग विथ लाइव स्टॉक ओके एट द सेम टाइम टू सेलिब्रेट द एग्रीकल्चर वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल आर देर सो बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर देर ओके हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ साथ लाइव स्टॉक फेस्टिवल्स भी होते हैं लाइव स्टॉक फेस्टिवल्स भी होते हैं इन टूगेदर एग्रीकल्चर इस ऑक्यूपेशन में लाइफ स्टॉक और टोटल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते ओवरऑल अगर मैं बात करूं मैं बहुत सारे अभी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नाम लूंगा आपको भी वो लिस्ट एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर दैट ओके सो लेट्स टॉक अबाउट सम हार्वेस्ट फेस्टिवल अगर एग्रीकल्चर की बात करें एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिहू इज वन ऑफ द फेस्टिवल ओके अपार्ट फ्रॉम दैट लोरी पंजाब राइट देन देन विच आर मोर इन द कमेंट सेक्शन कैन एनी बडी टेल मी क्वेश्चन थ्री ई किसी ने आंसर दिया है डिलीट कर दिया है और फिर आंध्र प्रदेश आंसर दिया है तो यह गूगल सर्च करके फिर यहां पर आंसर चेंज किया है नीलेष ने ठीक है देन कम्स यहां पर डोमेस्टिकटेड या फिर लाइव स्टॉक फेस्टिवल्स लाइव स्टॉक फेस्टिवल्स विच आर एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर एनिमल्स बहुत सारे एक हो गया आप पशुला पंडुगा दूसरा आपका है जल्ली कट्टू ओके okay. दूसरा है जल्ली कट्टू वॉट इज पोला पोला ठीक है पोला इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर देर विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक डिसीजेड टू एनिमल विच इज द कैटल रनिंग रेस विच इज फेस्टिवल इन विच इज अस फेस्टिवल इन कर्नाटका कैन एनी बडी टेल तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू धिस क्वेश्चन हैज बीन मेड विच इज अगेन अ कैटल फेस्टिवल ओनली और लाइफ स्टॉक फेस्टिवल तो कैटल फेस्टिवल बात करते हैं पुसा पंडुगा इट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश ओके आई होप यू गॉट इट नीलेश दीपक डोंट यू नो विच इज द कैटल रेस कॉल्ड इन कर्नाटका अ फेमस कैटल रेस इन कर्नाटका जल्दी बताओ ओके नोबडी हैज एन आइडिया कम ऑन गाइस इतना तो पता होना चाहिए जल्लीकटू इज नॉट कैटल रेस येस कंबाला वेरी गुड कर्नाटका का है कंबाला ओके आई होप यू वॉट इट इतना डिस्कशन काफी है गो ऑन द इंटरनेट सर्च हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया बिहू लोरी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सिमिलरली सर्च कैटल फेस्टिवल्स इन इंडिया एंड विथ स्टेट दे आर एसोसिएटेड विथ तो यह रहा आपका पुसउला पंडूगा देन लेट स्टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इनडोर्स अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर जापान हेज बीन वन ऑफ द अर्ली पारनियर ऑफ दिस फार्मिंग एंड होल्ड लार्जेस्ट शेयर इन द ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग मार्केट ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग हैज बीन टॉक्ड अबाउट तो यहां पर ही आपको मोस्टली आंसर मिल गया ओके यस इट टॉक्स अबाउट वर्टिकल फार्मिंग क्वेश्चन ज इजी ओके टाइपो भी था इधर आपको आंसर पता ही चल गया बट आई गिव यू मोर इंफॉर्मेशन फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रिसीजन फार्मिंग प्रिसीजन फार्मिंग इज नथिंग बट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट विच इज कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस थ्रू प्रिसीजन दैट इज इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी सो राइट वट एवर प्रोसेस आर देयर इन द राइट प्रोसेस राइट अमाउंट राइट टाइम that is done with the help of technologies such as remote sensing technology drone technology laser technology high uh, mechanical equipments as well as machines which are advanced so that it makes our agriculture precisely better than normal agriculture this is your precision farming vertical farming is nothing but vertical stacking vertical stacking of farm where plants are either grown in substrate of soil, liquid, or without any substrate, but generally, this type of farming is carried out where indoor farming is done and where total per unit land okay, per unit land, whatever is there, area is there that is less. Okay, I hope you got the point. Then comes organic farming preventing or avoiding any chemical inputs inside your agriculture and then utilizing only. only organic resources that is the thing but organic farming agroecological farming is nothing but when agriculture is considered a innate part of ecology and where ecological processes are helping agriculture to do its activity in the same surrounding or same environment and bio-intensive agriculture is nothing but intensive as you all know inputs are used but which are biological in nature so biological in the sense here it includes all the biopesticides uh, the bio fertilizers so in this way bio -intensive, uh, bio intensive farming is all about that so these were all different types of farming these farming systems you should be knowing about then let's talk about question number five dash is often regarded as father of precision farming which i just talked about david holgram bill Mollison, p r robert rudolf steiner and none of the above Come on. C. C. Many people are okay. Now, Sumedha has given C. Deepak has given D. Anand also has given D. Now, what to do? What should be the answer? You tell me. So, here if you see, Sumedha is actually right here. The answer here is Pire Robert. Okay. Pire Robert. And this is everything about precision agriculture. So, it's nothing but it uses GPS, global positioning system, other than that, auto steering or digitalization, wireless telecommunication using remote sensing data, variable rate technology, remote sensing. It uses AI also AI technology, laser technology, drones, yield monitors, data collection and analysis. All these, whatever technological aspects are there, this makes फार्मिंग एंड द फार्मिंग प्रोसेस इज मोर प्रेसिस इन एक्सी एज वेल एज इन इफिशियंसीस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स करेवाज अ टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा पार्ट में करेवाज मिलता है उत्तरखंड उत्तराखंड तमिलनाडु नागालैंड जम्मू एंड कश्मीर उत्तर प्रदेश वेरी इजी क्वेश्चन हम ऑन गिव द एंसर D is the answer here. Someone is saying Deepak is saying D, Sumedai is saying D. Let's move forward. D is the correct answer. Karevas are nothing but boulder formations which happen in the overall Shivalik and your overall greater Himalayas ranges. So you can find them actually in the Nanga Parbat range hill, whatever is there, in and in between Karakoram hills. So wherever you see V shaped valleys which are formed because of the river cutting between two great. हाइटेड माउंटन देर यू कैन सी बोल्डर फॉर्मेशन और करेवा फॉर्मेशन विच इज बिकॉज ऑफकोर्स ऑफ दिल डिपोजिशन सिल डिपोजिशन से आपके कार्यवास बन जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायकॉटिलिडोनस क्रॉप एक अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है डायकॉटिलिडोनस क्रॉप अब मोनोकॉटिलिडॉन वर्सेस डायकॉटिलिडोन अब ये तो हम जानते हैं कि मोनो और डाय कॉटिलिडोन का डिफरेंस हमने पिछले क्लास में देखा वी सॉ इट इन लास्ट क्लास बट नाउ व्हाट टू डू इन कंटेक्स ऑफ एग्जांपल्स वी शुड नो द एग्जांपल्स आल्सो नीलेश हैज गिवन द आंसर इट्स ए दीपक स्टिल नॉट गिवन द आंसर सुमेदा से फॉलोइंग इजाम्पल ऑफ डायटीलिडोन आई एम संग दैट मीन्स वट एवर सीड इज देर इट विल हैव टू पार्ट There would be two cotyledons in this seed. Sumeda, I guess you are right. E is the correct answer. All are dicotyledons. Mango, it's a dicotyledon. Sunflower, neem, lentils. So therefore, E is the correct answer. Deepak is also very right. So have the examples of monocot seeds as well as dicot seeds. Okay. Which of the following agroclimatic zone will have maximum amount of moisture in the air? Where I will also give you the hint where moisture is more than 95 percent, 90 to 95 percent. Sorry, yes, islands Laksh says islands, Deepak also says e. Uh, no, Deepak says about the last. This was the last question's answer. Whenever you are giving answer, mention the question number. Question number eight, for example, and then give your answer. A, B, C, D, E, whatever you are giving. In this way, you give it for less confusion. Lakshya has given the answer. Yeah, Lakshya has given islands as the answer. A. Rest of the people, what happened? You don't know where max maximum moisture is. It's so easy. It is our 15th agro zone, that is islands. And in islands, if you see, as Okay, Sumeda had skipped it. Simple logic Sumeda, I hope that you can give the answer. Ananya, Ananya Samadhanam, yes very good, you have given correct answer. Sumeda, logic, look at it. Highest rainfall, where does it takes place? Western Ghats? Northeast, right? Here, why? Because southwest monsoon enters at northwest, uh, at the southwest region. Whole of the western ghats will get higher rainfall. Where higher rainfall would be there, their climate also moisture would be there. So, here, when we say at western ghats, almost more than 80 percent moisture content is there in the air, humidity. Northeast also high humidity is there. But the problem is, Suppose there is a place where rainfall also happens at a great extent, and more importantly, it is surrounded completely by water. So, at islands, the moisture content is almost more than 90%. So, that's why here, 15th, the reason you are under one Nicobar and Lakshwadeep, and when you consider Lakshwadeep, here also monsoon enters. So, therefore, here you will see almost for 6 to 8 months, you will see rainfall here, and more importantly, above 90%, you will always see moisture and humidity in the climate region. Okay, logic apply karu. Durgesh Patel was associated with which of the following revolution in India? I want answers from everyone. We have discussed a lot about revolutions. In last class also, we have discussed a lot about revolutions. 9b someone had seen, said blue revolution. Deepak says A and yes deepak was in last class and very good deepak i am really proud of you actually it is a if you see pink revolution durgesh patel is the personality who is related to i have already in the last class told you different revolutions to which whatever products agricultural products are related and at the same time in that class i have also given the name i have gave you the names of all the personalities which are associated with the all the revolutions okay so from M. S. Swaminathan to uh, to Durgesh Patel, every personality I gave you in the last, and that's why this is just a revision question. Now let's talk about government of India on the recommendation of dash announces MSP of various crops. Give me the answer because I want to discuss something else in this question. Who declares? Who announces the MSP? CACP. Deepak has given the answer and Samadhanam is given the answer. 10E. Okay. Nilesh also has given correct answer. Lasha has also given correct answer. Isha or Lasha, I don't get it. Sumeda also has given correct answer. Yes, you are very, very right. CACP. I wanted to discuss, that's why I did not keep any of the image. I wanted to discuss MSP. When we talk about MSP, each year, earlier when it started, it started with 1920 crops. Today, if you see, you have 24 to 26 crops which are in the list. Each year, these crops are added and removed from the list. You should know yearly how much crops are there in the MSP list. Can anybody tell me in the comment section how much crops are there? I have purposely not said how much crops are there. What is MSP is nothing but if suppose a farmer is there. Earlier, what used to happen? Farmer had a same route. He used to go into the market and in that market he used to sell his products. for example, rice. suppose the market price is growing 19 rupees for rice. and if you see, generally the rice rice price is supposed 25 rupees. so therefore, look at here in this situation, case 1. you could see farmer is in loss. The whatever inputs he is using for his rice, still he is paying 19 rupees. 22, exactly very good. 22 is the answer so if in the market he goes and sell his rice he is at the loss of almost 6 rupees so now what the farmer for the farmer what happens he is totally dependent on the market and market will destroy the farmer in this process right what if yearly the rice prices are always low to prevent this what government has done government also has food security act so for food security act pds system is that the rice wheat all grains dal government requires. so what government does is that it provides option 2 for farmer. option 2. what he can do is that he can come to fci centers, food corporation of india, and here he can sell those crop which he was going to sell at 19 rupees, he can sell to fci or government mandis at not at the market price, but maybe more than market price so for example 22 rupees okay so each year suppose sometimes the price for example at market is now not at 19 is at 26 so farmer has a right to go to market because it's no point selling the price at fci at 22 rupees so wherever either in the market case 1 or option 2 at the government mandis wherever the farmer gets good price there he goes and sells his grain. MSP is nothing but a backup so that farmer does not bear the loss. This was all about MSP. Below is the crop and optimum temperature in which they grow. Match the following and choose the correct options. Simple optimum temperature of different crops has been given and you have to tell me which is the correct answer. This is a difficult question. This is a difficult question. If I if i tell you in last lecture we had discussed about wheat as it is very very sensitive to the climate and optimum temperature so i hope you all guys give the correct answer here what happened sumeda nilesh deepak Give the answer, guys. Okay, see. You are not sure about it. Okay, let's see. Deepak has given this answer. Anybody else? I told you this time the questions are little bit difficult. Isha has given E. Isha. Okay, let's see. The answer is not any of you, the answer is D. Now, see. First, B, you, so wheat temperature you are knowing. Wheat you have given correct temperature. Yes, wheat is 20. 2A, tobacco is 29. Okay. Sorghum, if we talk about sorghum, you should know that it is 25. And when we talk about rice, this rice you should be having on your tips. Now, always remember, rice is a crop which requires more rainfall. But at the same time, it is a tropical crop. It is grown in tropics, and more importantly, it can bear heat. So, therefore, the highest temperature here should go to your rice only, and that's your correct answer actually. This was the logic here. Sumeda C, she had said. No, D is the answer correct here. D is the correct answer. Let's move forward. Which of the following statement is correct with respect to aeroponics? What did we learn in our last question? Crops and their optimum temperature at least one time look at the table okay of certain important crops what is their optimum temperature for growth please do this which of the following statement is correct with respect to aeroponics system of modern farming method aeroponics means growing the crops in air without any substrate okay derived from greek word air and ponos now look at the question very very carefully when we look at this question there is a logic here they have said in the first statement it is derived from greek word and second statement is they have derived it from latin word see these two statements are pole opposing of each other so either of the one could be the answer so what it means wherever one and two options are together eliminate that so none any of the options are not having one and two together but now again a fact is there if this is not the ऑप्शन अगर ये हमारा लॉजिक नहीं चल रहा है तो ये चल सकता है एक तो मेरा आंसर वन होगा या फिर मेरे आंसर में दो होगा दोनों एक साथ तो नहीं होंगे सो so, मेरा आंसर या फिर दो होगा ठीक है बाकी के अभी तीन ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि क्या है दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द प्लांट इन मिस्ट एनवायरमेंट विदाउट यूजिंग सॉइल सो थर्ड इज करेक्ट एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट यूजिंग वॉटर बेस्ड मिनरल्स न्यूट्रिय सोल्यूशन इन क्वेंट अब देखो फोर को इलिमिनेट कर दो बिकॉज ये मुझे एक्वापोनिक्स लग रहा है तो फोर को अगर इलिमिनेट करें तो हमारे पास बचते इट डिपेंड्स इट इज करेक्ट एंड यू शुड बी नोइंग इट्स द सी एक्चुअली इट्स करेक्ट सो देर फॉर यू कुड सी वन एंड एंड द एंसर इज वन एंड थ्री So one in the sense, it's a Greek word which comes from air and ponics and one and three is correct. This is the process of growing the plants in mist environment without the use of soil. Okay, I hope you got it. Okay, then comes biodynamic to organic farming. It is overall holistic agriculture from ecological. इथिकल एंड एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी एज एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रैक्टिस इट इज रूटेड इन द वर्क ऑफ डैश सो नियर दे आर टॉकिंग अबाउट बायोडा एग्रीकल्चर सो बायो डायनेमिक एग्रीकल्चर वॉट इज बायो डायनेमिक एग्रीकल्चर कैन यून बी डिटेल इन कमेंट सेक्शन ये बस कह रहे हैं हु हैजन और हु इज द स्टॉन्च फाउंडर ऑफ बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कोई बता सकता है थर्टीन डी रूडल स्टीनर इज रिलेटेड टू बायोडायनेमिक नीलेश जस्ट टेल मी, वॉट डू यू मीन बाय बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर आसिम यू ऑल्सो मी, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर मीनिंग क्या है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का वॉट एवर biological processes are there involving those in your agriculture utilizing those that comes your biodynamic agriculture in short the d is your correct answer rudolf steiner is the correct answer which state has become the first state in india to distribute seeds to farmer via blockchain technology a very beautiful question quickly give the answers let's move fast let, let us move fast little bit we are very slow ઝારખંડ બિહાર કેરલા તમિલનાડુ ગુજરાત 14A people are saying. Let's see. Yes, A is the correct answer. Actually, Jharkhand became the first state in which whatever allocation of the seeds is there for the farmers they are giving, that would be done by blockchain. Blockchain technology. Let's move forward. Question number 15 Which of the following options describe the process of galactopiosis? First is maintenance of lactation milk let down seizing of lactation milk secretion and maturity phase apart from that in the comment section tell me what does colostrum means Ananya Pal B is the answer she is giving दीपक एस कोलेटम इज द फर्स्ट मिल्क वेरी गुड इट्स द फर्स्ट मिल्क इन कलर ऑफ द कैटल विच इज फॉर हर काफ ओके इसका आंसर क्या है सुमेधा वट इज द आंसर ऑफ दिस वट गैलेक्टोपियोसिस मीन्स मेन क्वेश्चन तो आंसर ही नहीं कर रहे हो आंसर दे दो बता रहा हूं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ट्राई कर लो अभी मॉक्स में भी नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको Isha had said C, seizing of lactation. A is the answer. Actually, maintenance of the lactation is nothing but your galactopiosis. Okay. So, maintenance of lactation is the right term which is associated with galactopiosis. 15A, very good. Sumedha is correct. Which animal is stricken by diamond skin disease? Diamond skin disease. I already told you, you have to prepare the list of all the diseases which are related to cattle. Which are related to your poultry, which are related to your pigs, which are related to your field crops, which are related to your horticulture. You don't need notes for this, just internet is sufficient within 15 minutes. You can complete cattle, 15 minutes poultry, 15 minutes pigs, 15 minutes each section. 16b sheet saying. Is the diamond skin disease we were talking about, and it is correct. Actually, diamond skin disease is associated with the pigs. Okay, I hope you got the point. Then, curl toe paralysis in chicks is the symptom caused due to deficiency of which nutrient? Again, a disease-related questions. Is it because of phosphorus? Is it because of sulfur, niacin, riboflavin, or iron? Riboflavin. Which is this vitamin? Can anybody tell? It's B complex, okay. Iron, all the diseases related to your hemoglobin and anemia related, okay. Phosphorus, if you see, and sulfur, these are related to your nervous and skeletal and bone development. 17C they are saying niacin. No, niacin is the wrong answer for 17. I am damn sure about because I know the answer. क्ट राइबोफ्लेविन इज अबाउट बी कॉम्प्लेक्सू अन्य डी शीज सेक्टली अन्य इज वेरी वेरी करेक्ट राइबोफ्लेविन बिकॉज ऑफ राइबोफ्लेविन यू कैन सी कर्ल टू पैरालिपन इन चिक्स करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गोट इज लाइटेस्ट इन वेट यू शुड बी नोइंग विच गोट इज दस्ट एंड विच इज द लाइटेस्ट In the comment section, please tell me the name of the heaviest goat, lightest goat. Of course, we will discuss. First tell me which is the heaviest goat in India. Or maybe of indigenous breed as well as of exotic breed. Ananya pal a beetle. Eighteen D. Toggle burn. Ananya says A. Beetle. Who is the heaviest goat in weight? In weight, which is the heaviest goat? Nobody is giving the answer. Boer. Yes, Boer is the correct. An indigenous variety. Which is the indigenous variety? I want indigenous variety. Let's see the answer of this. The lightest goat is your Barbary. Okay, not beetle, but rather Barbary. Barbary is the lightest goat. Okay. Barbary is the lightest goat. Let's move forward. Question number 19. In this type of farming, the livestock graze on natural vegetation the land is not utilized for tilling or raising the crops this type of farming is commonly followed in tibet australia and certain parts of india choose the correct option which type of farming is this so here livestock grazing is done so first thing is that nomadic herding it is nothing but random movement of people from one crop to other Cultivation farming is nothing but cultivating crops. Mixed farming, of course, I told you agriculture along with livestock. Dry farming it is associated with agriculture which is done in arid and semi-arid region where the rainfall is restricted below 100 centimeters. Ranching is nothing but along with the crops, you are also growing grasses, you are also growing the grasslands, pastures. And this on this particular grasses, you are letting your domesticated animals to feed on this natural vegetation to graze, and that is called as ranching. The question number 20, it talks about dash method was developed in 1983 by French Jesuit father Henry de Lelani in Madagascar. It uses dash methodology to increase productivity of crops. Is it intensive farming method? is it system of rice intensification what is intensive farming it's nothing but suppose per unit area of land you are providing large amount of inputs of capital of labor of chemical fertilizers all such inputs you are increasing such inputs that particular agriculture could be called as intensive system of rice intensification aeroponics is nothing but growing the crops in air without any substrate only by spraying the nutrient medium zero budget natural farming z b n f okay this is the farming which has been started in raigad district of maharashtra it is nothing but rather than giving farming inputs by human beings so without any human intervention trying to grow a farm without a single rupee spent on agriculture, so rather spending zero rupees almost. So the budget for such agricultural ag activity may be intensive. Whatever agricultural activities, the budget is zero. So that means you are not giving any input. You are letting the crops grow on their own. That type of farming is called a zero budget natural farming. In general, natural farming, what is done is that at least some intervention is done. Here the answer is system of rice intensification system of rice intensification is nothing but some methods some practices some sops some techniques which togetherly are followed in per unit land for production of rice this lets into formation of a complete system in which such rice could be grown which is actually different from the conventional agricultural practice or conventional paddy or rice cultivation and this is called a system of rice intensification. This type of soil covers the area of 143 square kilometer of India and is widespread in northern and river valleys in peninsular India. They are mostly found in deltas keyword the soil are rich in potassium and poor in phosphorus identify the type of soil when i talk about deltas and when i talk about river valleys the only soil which is present in the river valley if i draw indian map here so the answer here is alluvial soil as we all know so india's map map when i'm drawing ओके, सो यर वेन बी सी फर्स्ट इज आर इंडस रिवर सिस्टम देन कम्स यूर गंगा रिवर सिस्टम देन कम्स यूर यमुना रिवर सिस्टम सो वॉट एवर दिस रिवर सिस्टम्स आर देर यर वेन बी सी कावेरी महानदी कृष्णा नर्मदा ताप्ती सो ऑल दिस रिवर सिस्टम आर देर यू कुड सी ऑलवेज एल्यूवियल soil which is nothing but rich organic silt deposition as well as organic deposition which is brought by the erosion of the soil uh, erosion of the river water volume so this is nothing but your alluvial soil which is brought down so here in gangetic basin if you see in gangetic plains there are three types of alluvial soil which we talk about khadar bhangar okay so, Khadar and Bangar, these are your again types of alluvials. Khadar is the newer alluvium and Bangar is the older alluvium. I hope you got it. We discussed a lot. Let's move forward. What is the average size of operational land holding in India as per agricultural census? Prabhauta agricultural census, as I told you, 10 times it has happened from 1971. 22A, 1.08 hectares i shouldn't lie but nilesh your answers are all correct actually it's correct a is the correct answer average size in india per farmer is 1.08 hectares in india okay and which is the largest uh, farmer popul like which category of operational holding is the largest among all the five classifications of operational holdings which is the maximum is it Marginal farmers are largest or small farmers are largest or medium farmers are largest tell me this yes marginal correct then the modern, modern farming method is the farming is the method in which incorporation of modern techniques and technology is done for increasing the farming production now here some of the list has been given and you have to find out the match the following. Okay, here I won't help you in any of the things you have to read and you have to find out. Simple, I will also start solving it. Let's see, I can solve it or not. Okay, see here, this type of farming is characterized by low fallow ratio, high use of inputs, higher crop yield per unit of area of land. Higher inputs, whenever it will come, 4a answer I will give. So, therefore, 4 is here and 4a is here. So, my answer is either c or e. Now, let's move to the second statement. It is a process of using. I apologize. Huh. Yeah, it is a process of using IT. Okay. It is process of using IT. टू एंश्योर क्रॉप्स एंड सॉइल सो देर फोर आई विल थिंक वेन आई टी विल कम इन टू द पिक्चर आई पुट बी इन टू प्रिस बी थ्री सो योर सी इज आर आंसर एंड यस सी इज आर आंसर यू ऑल्सो गाइड्स केम टू द प्रॉपर लॉजिकल कंक्लूजन वट डिड वी लर्न योर सिंपल अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बड़ा दिखता है तो डरना नहीं है ठीक है ऐसे क्वेश्चन आपके फेज वन में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन आपके फेज टू में भी आएंगे बिल्कुल डरना नहीं है यही क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं एक्चुअली वन लाइनर्स जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है आगे बढ़ो यही होते पर इस क्वेश्चन में आंसर निकालने को बहुत ज्यादा चांस होता है रस्तली वायल वराई पुवन ने कपूरवली उदयम एक्सेट्रा आर वराइटीज ऑफ विच फ्रूट अब ये देखो अगर आपको ये जो फ्रूट्स की वराइटीज आपको पता ही नहीं है अब नाम से पता चल रहा है दैट दिस आर साउथ इंडियन नेम्स

next question which chemical is emitted by climacteric fruits during their ripening process jab hai for example am so bhi hai when it get ripens one specific chemical is there which is responsible for its ripening climacteric fruits are those fruits which even if you remove them from your branch still they will ripen and that happens because of the ethylene that is why the answer is a many students give the answer i am very happy which of the following elements it causes following elements causes khaira disease in rice? So in rice khaira disease is there. It is nothing but wilting of the leaves. Okay, overall black spotted uh, uh, roots they get rotten. This is your khaira disease. From which elements is it or which nutrient is it associated with? Ananya is saying zinc. Many people are saying zinc the answer here is n can you please cross check because I also think it should be zinc I also think it should be zinc please cross check guys if it is correct then of course B is your answer okay there may be even a typo error also we never know it can happen okay in 100 questions one question can be little bit here and there so I don't think it could be nitrogen please cross check can anybody tell me about cross checking Thoda cross check kar lo isko. Is nitrogen? See, the answer would be from zinc or nitrogen only. Khaira, this is again a repeated question. It has been also come up in IBPS. Okay. It has also come up in various agricultural other exams. And NABARD also, it has come once. Zinc it is, sir. Okay. Just check, zinc is correct. Okay, zinc is correct. I am wrong. B is the correct answer. I hope you got the point. Okay, I will correct it. सिडर द्व रिलेटेड टू फीचर ऑफ रूरल इकोनॉमी फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट सिक्सटी एट परसेंट ऑफ वर्क फोर्स इन रूरल इंडिया इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एज ऑन टू थाउजेंड टेन दो हजार दस में ऑलमोस्ट सिक्स था गुड अमाउंट नाव वाई टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड इलेवन सेंस यह मत समझ लेना कि सूरत सर दो हजार दस से कंपेयर क्यों कर रहे भाई मैं नहीं कर रहा हूं दो हजार ग्यारह की सेंसस हुई है एज पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एस सी 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 स्टैगरिंग

से उंगलियों पे होना चाहिए 2011 का सेंसस कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत हो सकती है ट्वेंटी सेवन सी बिलो फाइव के है किसने लॉजिक दिया ये नीलेष ने दिया वेरी गुड वेरी गुड लेट सी लेट सी देखते शाली मूव फॉरवर्ड कोई आंसर देने की कोशिश करेगा और इसका आंसर एक्चुअली है सी विच इज वन एंड थ्री एंड नीलेष लॉजिक इफ यू सी लुक एट यूर द पॉइंट इज 68% परसेंट ऑफ हाउस होल्ड आर एम्प्लॉयड एज ऑफ टू थाउजेंड टेन एंड इफ यू सी स्टैगरिंग नाइन्टी टू परसेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड वेर रिपोर्टेड विच हैव देयर इनकम बिलो टेन थाउजेंड पर मंथ हि हैच इज लेस एक्चुअली इट इज नाइनटी टू परसेंट सो हर आई वॉन्ट टू टेल नीलेश आपका लॉजिक आपका एंसर सही है पर आपका लॉजिक गलत है ठीक है और और एक चीज मैं आपको बताता हूं टोटल 92 परसेंट अगर आप कंसीडर करते तो टेन थाउजेंड रुपीज उस फैमिली के पास टेन थाउजेंड रुपीज से भी कम उनकी अर्निंग्स है सो इन टोटल ये जो उनका कैलकुलेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द परसेंटेज अगर परसेंटेज की बात करें दैट इज 92 परसेंट आर हैविंग देयर मैक्सिमम इनकम लेस देन टेन थाउजेंड अकॉर्डिंग टू टू सेंसस इलेवन सेवेंटी ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लिटरेट ऑफ विच सिक्सटी

सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन अब से लेके सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट अगर सोल्व कर सकते हो तो करके दिखाओ क्योंकि सारे क्वेश्चन तीन तीन चार चार स्टेटमेंट के देखते हैं आज कौन सोल्व करता है A person deriving 50% of income in village from, carpentry, that is from or your rural artisanship. और 21.93 lakh handicraft or handlooms establishment accounting 3.75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ establishments इन कंट्री इसका मतलब क्या है टोटल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन थ्री हैंडीक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट्स है और पांच मेजर स्टेट है राजस्थान आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा तीसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है मैं आपकी मदद कर देता हूं बाकी के दो स्टेटमेंट का क्या जल्दी दे दो सिंपल है इसका आंसर इतने कुछ बड़ी बात नहीं है निलेश दीपक अनन्या मणिकंदन डी इज द आंसर हियर ए आप यहां पर ए यहां पर 50 परसेंट पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्राई टू फिगर आउट दैट इज इट करेक्ट और नॉट सुमेरा ठीक है मुझे लॉजिक लेट्स सी व्हाट द आंसर कम्स अप रुद्र का भी आंसर डी है निलेश ने अभी तक आंसर नहीं दिया एंड द आंसर इज सी एक्चुअली सीयर फिफ्टी परसेंट ही है अगर आप कोई भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से फिफ्टी परसेंट इनकम जनरेट कर रहे हो देन यू आर कंसिडर्ड एज अ रूरल आर्टिस्ट ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन थ्री लैक ऑल्सो इज अ करेक्ट फैक्ट विच हैज बीन मेंशन बट द फाइव स्टेट विच वी वी टॉकिंग अबाउट ओके वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश राजस्थान आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ओके इट्स नॉट राजस्थान आंध्र प्रदेश ओके ऑर्डर द ऑर्डर हैज बिन मैंशन रॉन्ग सो यर वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश देन राजस्थान आंध्र प्रदेश ओडिशा है इन दैट ऑर्डर ओनली तो पहला वेस्ट बेंगाल में सबसे ज्यादा यहां पर क्या है हैंडीक्राफ्ट मेकर सो सी करेक्ट है आपका उसके बाद उत्तर प्रदेश उसके बाद राजस्थान उसके बाद आंध्रा उसके बाद ओडिशा ओके वेस्ट बंगाल में क्यों ज्यादा है यहां पर कोई बता सकता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एंड दैट ऑल्सो हैंडलूम इंडस्ट्री टेक्सटाइल नॉट बाय मशीन बट बाय हैंडलूम हाथ से जो विविंग करते हैं तीन करेक्ट बोला क्योंकि मुझे भी ये करेक्ट लगा लेकिन ये ऑर्डर गलत है सी ऑल द फाइव फाइव स्टेट आर देयर इन हैंडलूम लार्जेस्ट स्टेट पर यहां पर ऑर्डर की बात हो रही है तो ऑर्डर में पहला वेस्ट बंगाल आएगा उत्तर प्रदेश आएगा राजस्थान आंध्र प्रदेश ओडिशा ठीक है एन सम स्टेटमेंट्स आर देर कभी कभार पहले ही एक स्टेटमेंट दिख के ऐसा लग जाता है कि भाई ये तो सही लग रहा है ये तो सही ही होगा और फिर हम फंस जाते देखो मैं भी फंस गया इस तरह से दैट्स वाई रीडिंग या दैट्स वाई रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लेबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन है कल्टिवेशन हाउस होल्ड दीज आर नथिंग बट परमनेंट और अटैच लेबर जनरली वर्किंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी या फिर कैजुअल वर्कर्स जो कि कैजुअल लेबर होते हैं एंगेज ओनली ड्यूरिंग द पीक पीरियड ऑफ द वर्क द एम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी एंड लेबर पेड एट द मार्केट रेट दीज लेबर आर नॉट अटैच टू एनी लैंड लॉर्ड ठीक है कल्टिवेटर्स दीज आर स्मॉल फार्मर्स हुस अ वेरी लिटिल लैंड एंड देर फोर दे हैव टू डिवर्ट मोस्ट ऑफ दे टाइम वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ अदर्स एज लेबरर्स एकदम सिंपल क्वेश्चन है उन्होंने टर्म्स पूछे सो आर आर टर्म्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल पहले वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट लेबरर दूसरे होते हैं जिनको हम टेंरी या फिर कैजुअल लेबरर करते हैं तीसरे होते हैं जिनको हम कल्टीवेटर्स कहते हैं तीनों के आगे आगे क्या क्या उनके मीनिंग्स है वो दिए हैं लेकिन ध्यान से अगर आप पढ़ोगे देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सी वट आई थिंक इज ईदर ऑफ द टू स्टेटमेंट आर स्विच्ड स्विच मतलब क्या तीन ऑप्शन है इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट लेके उधर डालिए एक की स्टेटमेंट लेके इधर डालिए अब वो कौन से स्टेटमेंट से आप देखो ई तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा दीपक जरा ध्यान देखना परमानेंट लेबरर्स अटैच्ड टू कल्टीवेटिंग हाउसहोल्ड जरा देख लेना थोड़ा ई मैं भी गलत हो सकता हूं एक बार ध्यान से पढ़ लेना इतने जल्दी आंसर नहीं आना चाहिए दीपक सही भी हो सकते हो तुम तुम सही भी हो सकते हो क्या आएगा ई e आंसर आएगा इसका ट्वेंटी नाइन बी ओनली टू इज करेक्ट सम्मोनित सिंग एंड ई इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली दीपक ने सही दिया था आंसर ओके सो लुक एट यमानंट लेबर वू आर अटैच टू अ कल्टिवेटिंग हाउस होल्ड परमानेंट लेबर का मीनिंग क्या होता है दीपक ने सही यहां पर लॉजिक लगाया ठीक है परमानेंट लेबरर मतलब वो लेबर जो कि मेरी जमीन से जुड़ा हुआ है और वहां पर वो एज अ लेबर ही है सो वट ई मीन्स परमानेंटली अटैच लेबर टू सम सम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सही है वो टेम्पररी या फिर कैजुअल लेबर कौन है जो कि कैजुअली हुई एंगेज ड्यूरिंग ओनली द पीक पीरियड एंड ही इज सच लेबर इज नॉट अटैच टू एनी लैंडलॉर्ड मतलब वो एक कैजुअल लेबर है उसका काम हो गया वो चला जाएगा वो दूसरे की खेती में कल्टीवेटर्स कौन होते हैं? दोज फार्मर हु मतलब मार्जिनल फार्मर्स कह लो स्मॉल फार्मर्स कह लो जो कि कभी कभार दूसरे के जमीन पर भी जाके एज ए लेबर काम करते हैं, उनको हम कल्टीवेटर्स कहते हैं। सो एक्चुअली दीपक करेक्ट हियर ई इज द करेक्ट एंसर ओके बाकी के लोगों को यह लगा होगा कि यह एक्सचेंज किया है पर एग्जामिनर ने यह नहीं किया था ठीक है पर किया जा सकता है देर इज वेरी हाई चांस आपको मीनिंग लगाना होगा टर्म्स का और टर्म्स का मीनिंग लग रहा है परमानेंट लेबर अटैच टू द कल्टिवेटिंग हाउस होल्ड परमानेंट और अटैच लेबर जनरली वर्किंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ही इज अटैच टू द वर्क इधर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट बट कॉन्ट्रैक्ट टू द अटैच टू द वर्क इन द सेंस लैंडलॉर्ड के वो पास है और वो उसके लिए ही काम करेगा दैट इज योअर परमानेंट लेबर then consider following statements related to again s e c c data s e c c data Fragmentation of land holding has made it difficult for farmers to support and let alone sorry, let alone those dependent on manual labor uh, on manual casual laborers 75% of rural households main whatever family members are there they make less than 5000 per month and 32.25% of rural households hold no agricultural land. कोई बता पाएगा आई नो क्वेश्चन आर डिफिकल्ट हियर ओके पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में पहली जो चीज है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हैज इट इट मेड डिफिकल्ट फॉर फार्मर टूट सपोर्ट देमसेल्स एंड देर फॉर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड देर मेन मेंबर्स अर्न लेस देन फाइव थाउजेंड ना ऑलरेडी वी नो दैट ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट फैमिलीज़ आर देयर दे अर्न लेस देन टेन थाउजेंड तो यहां पर फाइव थाउजेंड जो रहेगा सेवेंटी फाइव परसेंट इट इज अ करेक्ट फैक्ट ये एक करेक्ट फैक्ट है आपकी जो तीसरी स्टेटमेंट है उसका फैक्ट मुझे ऐसा लगता है गलत है क्योंकि ये मैंने पढ़ा है सो सी इज द करेक्ट आंसर ये वन टू अगर आप देखोगे तो फिफ्टी सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड दे डोन्ट लैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये मैंने वहां पर थर्टी टू लिखा था ये फिफ्टी सिक्स परसेंट है तो यहां पर एग्जामिनर खेल गया आपको फैक्ट्स मालूम होने चाहिए तीसेंट प्रतिशत लोग जो है वो बस कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंडेंट है अपने इनकम के लिए जो है वो बस कैजुअल लेबर कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट लिविंग ऑफ ऑन एग्रीकल्चर सेवेंटी फाइव परसेंट रूरल हाउस होल्ड जो भी एक फैमिली में एक बंदा है वो पांच हजार से कम रुपए कमा रहा है सो दिस इज द ओवरऑल फैक्ट इज ऑफ एसई सी सी data again a question on census a person who is aged 70 years or more than 70 years can read write and understand any language is called as literate person according to 2011 census literacy rate in population 7 years and above stands at 74% for a country as a whole Again, 64.8 percent in 2001. So according to 2011, total 74 percent is your literacy, as compared to the previous census that is 64 percent. And pace of increase in female literacy rate is perceptibly higher in urban areas, which is correct. Third is correct. 31, E, C is the answer here. C is the answer here. One and आर करेक्ट बिकॉज दर्ड इज रॉन्ग पेस ऑफ फीमेल लिटरेसी परसेप्टेबली हायर इन रूरल एरियाज सॉरी मैं भी यहां पर गलत हो गया ठीक है हाँ yes, दीपक, right. Actually, ये दीपक यू आर राइट एक्चुअली हमें यह लगता है कि अर्बन एरिया में फीमेल्स की लिटरेसी ज्यादा होगी पर ऐसा नहीं है जब टोटल लिटरेसी काउंट करते हो यू कंसिडर अ फुल कम्युनिटी फुल रूरल कम्युनिटी फुल अर्बन कम्युनिटी एंड दैट इज वाई वो लिटरेसी रूरल एरियाज में ज्यादा है आई होप यू वॉट इट इधर ही पूरा गेम चेंज हो गया ठीक है बाकी के सारे फैक्ट्स करेक्ट है ठीक है तो ये याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एज अ एनी लाइक पर्सन ऑल्सो यू शुड बी नोइंग इट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज जो है भले ही वो टेक्नोलॉजी या बाकी की चीजों में अम्यूनिटीज के कंसिडरेशन consider, में दे आर वेरी बैक बट लिटरेसी के कंटेक्ट में फीमेल लिटरेसी इन अर्बन एरियाज इज लेस देन रूरल एरियाज दिस इज द थिंग थ रिफरेंस टू वॉटर ऑन प्लेनेट अर्थ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ वॉटर इन रिवर लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर द अमाउंट ऑफ वॉटर इन पोलर आइस्केप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वॉटर एंड द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन रिवर्स इज मोर देन लेक्स इसका आंसर बता दो यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इजी क्वेश्चन था ओवरऑल दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इरिगेशन एंड वॉटर रिसोर्सेस स सुमेदाजो राइट द लॉजिक इज वेरी गुड अर्बन एरिया पहले ही ज्यादा होती है पर वो ज्यादा लिटरेसी जो भी है टू इंक्रीज दैट अगेन लिटरेसीट बिकम्स डिफिकल्ट सैच्युरेशन ऑफ परसेंटेज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आपको आप एक सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट रेंज में आपको मार्क्स मिलते हैं और अगर आपने एक बार एटी फाइव लाया फिर आपने और पढ़ाई किया लाया फिर आप सैच्यट हो जाते हो सैच्य सेंस फिर नाइनटी फाइव के ऊपर जाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इसका आंसर बताओ जल्दी थर्टी टू का सी इज द आंसर हियर एंड इट इज रॉन्ग ओनली टू इज करेक्ट लेट्स सी व्हाई द टोटल फ्रेश वाटर इन इफ यू सी नाइन सिक्सटी नाइन परसेंट इज इन ग्लेशियर थर्टी परसेंट ग्राउंड वाटर एंड लेस देन वन परसेंट इज इन लेक्स रिवर्स एंड स्वाम्प्स टोटल फ्रेश वॉटर वेन आई कंसिडर नाइन सिक्सटी नाइन परसेंट इज इन ग्लेशियर एंड थर्टी परसेंट इज इन ग्राउंड वाटर पोलर आइस्केप हैज मोर वॉटर एंड द अमाउंट ऑफ वॉटर इज ले इन लेक्स इज मोर देन रिवर्स तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया और पहली जो बात हम कर रहे थे ग्राउंड वाटर में पानी बहुत ज्यादा होता है अपने रिवर्स से एंड दैट इज व्हाई वी से सेकंड आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इधर भी आप फंस गए कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सरफेस इरिगेशन की डेफिनेशन दी है बॉर्डर इरिगेशन की दी है और चेक बेसिन इरिगेशन की भी दी है आपको यह बताना है इन टोटल कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट देख लेना इनकरेक्ट लिखा है सो रीड द स्टेटमेंट सर्फेस इरीगेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉइल सर्फेस बाय ग्रेविटी इट इज द मोस्ट कॉमन सर्फेस ऑफ इरीगेशन सर्फेस है बॉर्डर को क्या है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड स्ट्रिप्स ऑन द लैंड सेपरेटेड बाई अर्दन बंड चेक बेसिन इरीगेशन में क्या है डिवाइडिंग फिल्ड इंटू सेवरल लेवल्स ऑफ प्लॉट्स कॉल्ड एस चेक सराउंडेड बाई लो बर्ड्स इनकरेक्ट पूछा है यहां पर जल्दी बताओ दीपक सेज डी नन ऑफ दीज देख लेते एक मिनट ओके 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 आई गॉट इट आई गॉट इट अभी ऑडियो ठीक है या व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द आंसर्स योर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके सो ऑल द स्टेटमेंट्स वेर करेक्ट पूछा गया था कि आपको कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सो so देयरफॉर आपका नन ऑफ द अबो आंसर आ जाएगा ओनली वन पर्सन वॉज रॉन्ग ओके जाकीन आई गेस वॉज रॉन्ग जाकीन ने क्या कहा था एक गलत है ऐसा वो बोल रहा था Why? एक गलत क्यूवर देखो ना सरफेस इरीगेशन है सरफेस इरीगेशन में ये देखो ना सरफेस वर्ड है सिंपल लॉजिक बॉर्डर इरीगेशन है ये देखो ना बॉर्डर वर्ड है लॉजिक उसके बाद चेक बेसिन है और ये देखो सराउंडेड बाय बंड्स प्लॉट्स बिच आर कॉल्ड एड्स चेक्स हर स्टेटमेंट में एक कीवर्ड दिया गया था इतना इजी क्वेश्चन तो नाबार भी नहीं देगा कभी तो डी इज द आंसर डेफिनेशंस बाद में पढ़ लेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टोटल कल्टिवेबल एरिया नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया तीनों के डेफिनेशन दिए अगेन विच इज द इनकरेक्ट पूछा है अब बताओ जल्दी टोटल कल्टीवेबल एरिया टोटल एरिया कल्टीवेशन इज पॉसिबल इट कंसिस्ट ऑफ नेट सोन एरिया करंट फैलोस लैंड एंड अदर देन दैन फैलोलैंड ऑल द अदर अदरलैंड एंड इवन मिस एरिया नेट सोन एरिया इज नथिंग बट इन टोटल हाउ मच एरिया डिड यू हैव क्रॉप ऑल ओवर दी वेरियस सीजन एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया इज नथिंग बट टोटल लैंड विच यू आर है कितना है आपके पास वो है जरूरी नहीं है कि की, रहे तो सही ही होगा अरे तो स्टेटमेंट पकड़ो जाकिन रीड द स्टेटमेंट पूरा पता चल रहा है सिंपल देख लो यहां पर तुम्हारे लिए फिर से बताता हूं सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होती है सरफेस इरीगेशन में हम क्या करते हैं पानी को अप्लाई इगेशन इज नथिंग बट वॉट फिजिकली मैन्युपुलेटिंग द वॉटर टू आर डिजाइड स्पेसिफिक एरिया वेर वी वॉन्ट टू अप्लाई द इगेशन और वॉटर सिंपल वेन इट इज ट्रीटेड ऑन द सॉइल सर्फेस विद्प ऑफ इधर ग्रेविटी और इधर पंप्स दैट इज कॉल्ड यूर सर्फेस इिरीगेशन सिंपल तो पहली स्टेटमेंट तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ दिक्कत है बॉर्डर इरीगेशन की जब मैं बात करता हूं सिंपल आपका जो लैंड होता है वॉट डू यू डू यू डू नथिंग बट यू यूनिफॉर्मली ग्रेड दैट ऐसे ग्रेड्स बनाते हैं एंड देन यू ट्रांसफर योर वॉटर फ्रॉम वन ग्रेडिंग टू अदर एंड चेक बेसिन जो रहता है इट इज अगेन प्लॉट जो होते हैं उनको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेकिन हर एक चेक में हर एक चेक में क्या किया जाता है यहां पर चेक यहां पर ऐसे ऐसे गेट्स बनाए जाते हैं तो इन गेट से पानी ऐसा आएगा फॉर एग्जाम्पल यहां से पानी एंटर किया यहां से यहां से दिस इज योर वॉटर ये लॉजिक था तीनों के तीनों आपके सही थे अब इसमें बताओ जरा क्या आंसर होगा थर्टी फोर का बी बता रहे हैं लोग ठीक है जल्दी थर्टी फोर बी दीपक वाई डोंट यू दीपक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो यार दीपक इज करेक्ट एक्चुअली दीपक ने अगर इसका आंसर दिया है डी दैट इज करेक्ट यस सी डी इज द करेक्ट आंसर सी लॉजिक देखो मैं आपको बताता हूं ठीक है टोटल कल्टिवेबल लैंड इट इज द टोटल एरिया वेर कल्टिवेशन इज पॉसिबल इट कंटेन्स सोन एरिया करंट फेलोज इनकरेक्ट पूछा था राइट इन पूछा था तो टू एंड थ्री आपके इनकरेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट बस आपका सही होगा बाकी के दोनों स्टेटमेंट ये गलत होंगे एक बार देख लेते हैं टोटल कल्टिवेबल एरिया अगर हम बात करें इट इंक्लूड्स ऑल नेट सोन एरिया करंट करंट नेंट करोस लैंड एंड अदर देन करंट फैलो ऑल्सो इवन इट इंक्लूड्स मिसलेनियस एरिया ऑल्सो नेट सोन एरिया लुकेटेड इट 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 रिप्रेजेंट टोटल सोन एरिया विथ क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स एरिया सोन मोर देन वंस सेम ईयर इट्स काउंटेड ओनली वंस इट इज काउंटेड ओनली वंस एंड ग्रॉस सोन एरिया इज नथिंग बट इट इज टोटल सम ऑफ द एरियाज अंडर ऑल द क्रॉप ग्रोथ एट वेरियस सीजन इन एग्रीकल्चरल ईयर सो फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम हैविंग फाइव हेक्टेयर ऑफ लैंड तो ये हो गया मेरा ग्रॉस सोन एरिया लेकिन इसी पांच हेक्टेयर के ऊपर अगर मैं खरीफ रबी और जैद सीजन में पंद्रह हेक्टेयर की क्रॉपिंग करता हूं पांच 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 तो पंद्रह हेक्टेयर मेरा नेट सोन एरिया हो जाता है ठीक है यही लॉजिक था देन द क्वेश्चन ऑन ड्रिप इरीगेशन यूसेज ऑफ प्लास्टिक इमिटेड इमिटर इन ड्रिप इरीगेशन वॉज डेवलप्ड बाय ईरान इन ईरान बाय सिमचा ब्लास एंड हिथ सन यशाहू ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन विच इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन एरियाज विथ वॉटर स्कॉसिटी एंड सोल्व प्रॉब्लम एंड द इगेशन इज डिफाइंड एज प्रसाइज बट स्लो एप्लीकेशन ऑफ वॉटर एट डिस्क्रीट क्रॉप और कंटिन्यूअस ड्रॉप थ्रू मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड एज इमिटर्स एकदम ड्रिप इरिगेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ये देखो दीपक वेरी स्मार्ट वेरी गुड करेक्ट पूछा है यहां पर बहुत ही स्मार्ट ईरान मुझे नहीं लगता ड्रिप इेशन इज एसोसिएटेड विद ईरान इट इज रिलेटेड रिलेटेड टू इजराइल ठीक है सो देर फॉर वी व्यू टू लुक एट द एंसर इज़ द एंसर ऑल ऑफ द अबो इज दबो इट इज स्टेटिंग ईरान प्लीज चेक दिस फैक्ट प्लीज चेक दिस फैक्ट इट मे बी ऑल्सो रॉन्ग फैक्ट चेक करो एक बार फैक्ट चेक करो Check the fact. I also feel this is Israel. Check the fact. चेक द फैक्ट आई ऑल्सो फील यजराइल शुड कम इट इज करेक्ट इजराइल इज करेक्ट ओके इराज अ टाइप ऑफर इट इज करेक्ट इट इज इजराइल ओनली नो डाउट अबाउट इट आई नो इट आगे बढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम इट्स प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल स्केल इन इंडिया लिफ्ट फ्लड नेचुरल सब इरिगेशन आर्टिफिशियल सब इरिगेशन और फ्लड सब इिगेशन हा इजराइल ही है करेक्ट है मैंने देखा भी Lift irrigation, lifting the water through water pumps. Flood irrigation, flooding through the open gates. Okay, excessive water through canal systems. Natural sub irrigation, sub irrigation in the sense providing water to the roots through underground or sub at the sub subsurfacial level. Artificial, sub uh, natural in the sense naturally supplying the water. Artificial means through the measure of pumps and tech, other technology. And flood sub irrigation is nothing but again providing excessive water or flooding the fields at sub surfacial region overall d is the answer actually artificial sub-irrigation this is your right answer this is the minimum region which is practiced in india Okay. so it is practiced on small scale in india artificial sub-irrigation it is a system in which open joint drains artificially would be laid below the soil at the subsurface level and water would be supplied through the capillarity it is costly and that is why it is in the very small scale only it is applied in india in special cases or pilot basis it has been used in different regions which of the following type of irrigation method can be used for both flat lands and relatively steep lands batao jaldi थर्टी सिक्स ई थर्टी सेवन सी कह रहे हैं लोग कौन सा इरीगेशन है विच कुड बी अप्लाइड टू बोट फ्लैट लैंड फ्लैट लैंड हॉरिजोंटल एंड स्टीप लैंड ऑल्सो विच इज हैविंग स्लोप answer nahi hai. and the answer is A here it's free flooding actually free flooding you can use it in flat lands also okay so irrigation by this type you can divide the entire land and you can use them as strips which is called as laterals and also this method would be suitable for the flat lands also and steep lands also okay other than that if you see see the types बेसिन फ्लडिंग बेसिन फ्लडिंग कहां पर होता है जनरली कहां पर होता है रिवर बेसिन में जहां पर स्लोप होते हैं वहां पर होता है वेन एग्रीकल्चरल फील्ड इज बिसाइड द रिवर नाउ देर इट कैन बी यूज इन स्टीप लैंड बट नॉट फ्लैट लैंड्स। इन फ्लैट लैंड्स यू विल नीड अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल इरीगेशनल फ्लो फरो मेथड नो इन द सेंस होल्स आर क्रिएटेड So, on steep slopes, you cannot be doing that. It will result into blocking or it will result into only some crops which are at the foothill to get more water. Drip irrigation also, you cannot. You have to pump the water at a higher extent. That is why flooding is only actually used. Free flooding, that also. Flood irrigation, again, your flooding is done through mechanical pumps. Canal irrigation is generally preferred in which type? Non alluvial canal, non perennial canal. फीडर कैनल एल्यूवियम कैनल और नन ऑफ द अबू जल्दी बताओ इसका थर्टी एट कैनल इरीगेशन कैनल्स वेर आर कैनल्स मैक्सिममली फाउंड इन रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज कैनल्स आर जनरली यूज टू एक्सटेंड The irrigational facility from tributaries and rivers. Now try to tell. Yes, very good. Anand is correct. Alluvial canal is the correct answer here. So, direct irrigation could be used through a weir or barrage, which generally extends a particular river. And here you could see it is preferred in alluvial soil as compared to storage irrigation. Overall, if you see,

Supply ditch that is a dugout which is used to supply the water, borders to restrict and open the water and ridges. These are again to flow the water from one section to other, and border flooding is the correct answer as Jakin has given the answer, and that is correct. Even Anand also has given the answer. Correct. So here you could see D is the correct answer. Okay. This is your what? Border flooding which of the following type of irrigation methods uses artificial rain to irrigate the land water irrigation furrow method sprinkler irrigation method drip irrigation or none of the above विच इरीगेशन इज डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल रेन टू इरीगेट लैंड सी इज द करेक्ट आंसर सी स्प्रिंकलर्स आर देयर लाइक दिस दिस स्प्रिंकलर्स आर देयर दे आर नथिंग बट आर्टिफिशियल इरीगेशन ओनली वेरी वेरी लॉजिकल ये कितना इजी क्वेश्चन था ये बाकी के क्वेश्चन से स्प्रिंकलर इरिगेशन एक रेनफॉल की तरह ही तो होता है फाइन रेनफॉल आगे बढ़ते वी रिटेंटिव सॉइल इज फेवरेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हेवी रिटेंटिव सॉइल जहां पर वॉटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है इस सॉइल का यह किस क्रॉप के लिए यूज किया जाता है जो ज्यादा वॉटर होल्ड करे हेवी रिटेंटिव सॉइल इज फॉर होल्डिंग द वॉटर

क्वेश्चन नंबर लिखो और फिर आंसर दो फोर्टी टू बी फोर्टी टू बहुत लोग बी दे रहे हैं आंसर कल्चरेबल कमांड एरिया बहुत सारे लोग ए दे रहे आनंद ने ए दिया एंड दैट इज करेक्ट इज़ द करेक्ट आंसर ग्रॉस कमांड एरिया इज द समर एंड अनुबल एरिया इज द समेटेड एर ग्रॉस कमांड एरिया इज वन ऑफ द हाइएस्ट रीजन आई होप यू गॉट द लॉजिक ठीक है आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनसून आर करेक्ट फर्स्ट इज मॉनसून वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम थियोपियन लैंग्वेज सेकंड थिंग इज दैट समरसून इज रिस इन मार्च टू मे एंड इट इज रिसीव साउथ इन बंगाल विंटर रेनफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया ओनली विच इज कॉल्डर्न डिस्टर्बेंस नोइंग एंड द रीजन आर पंजाब राजस्थान एंड सेंट्रल इंडिया अब आप भी बताओ इसका आंसर क्या होगा दीपक कितनी बार कहा है क्वेश्चन नंबर बोलो और फिर उसका आंसर दे दो मुझे इजी होगा ताकि मैं पट से बता सकूं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं यहां पर मैं बता नहीं पा रहा हूं आपका आंसर करेक्ट है क्या है फोर्टी थ्री सी इज द करेक्ट आंसर मॉनसून इज द वर्ड विच इज अराइव फ्रॉम अरेबिक ओरिजिन ओके बाकी के दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है नो द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वेल एज स्ट्स एंड कॉन्सेप्ट अबाउट साउथ वेस्ट मॉनसून एज वेल एज साउथ ईस्ट मॉन्सून नॉर्थ ईस्ट मॉन्सून एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो नो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंफॉर्मेशन ले लो उसकेट रिगार्डिंग एटमोसफियर आज देखो टॉपिक वाइज लाइव में क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले हमने क्या स्टार्ट किया रैंडम फील्ड क्रॉप के क्वेश्चन फिर हम आए किसके ऊपर इरीगेशन फिर हम आए किसके ऊपर देखो धीरे धीरे हम किसके ऊपर आ रहे एग्रोमेटेरियोलॉजी पे आ रहे देखो एग्रोमेट्रोलॉजी का क्वेश्चन तो आज टॉपिक वाइज डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहे मजा आएगा आपको फोर्टी थ्री सी कह रहे लोग वो तो ठीक है फोर्टी थ्री सी कब का हो गया इतना इजी तो कोई भी बता पाएगा फोर्टी फोर का बोल दो यार फोर्टी फोर बी बोल रहे हैं लोग सो so, एटमोस्फियर इज बिक्स ऑफ गैस इज करेक्ट इट कंटेन्स लाइफ गिविंग ऑक्सीजन लाइक ऑक्सीजन एनिमल्स एंड कार्बन डॉइक्सा फ्रॉम अर्थ सर्फेसर मास्ट एटमोस्फियर इट कंफाइंड टू द हाइट ऑफ थर्टू इधर कुछ तो गलत है और वो गलत चीज है आपका इन टोटल ये सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर तक ही एटमोस्फियर एक्सटेंड करता है ठीक है फोर्टी फोर क्या हुआ एंसर्स बदल दिया सब लोगों ने अरे ई नहीं आएगा आंसर इसका 44 का आंसर आएगा वन एंड टू बी ओनली दिस इज रॉन्ग बिकॉज थर्टी टू हंड्रेड किलोमीटर तो आउटर स्पेस होती है भाई ओनली सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस दैट मच लेवल इज योर एटमोस्फियर ओवरऑल एटमोस्फेयर सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर्स ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर कम फ्रॉम द वर्ड ट्रोपो विच मीन मिक्सिंग ऑफ द एटमोस्पियर द हाइट इज थर्टी सिक्स किलोमीटर एंड एटीन किलोमीटर एट पोल्सपियर के बारे में ही बात हो रही है टेम्परेचर इन दिस लेयर जनरली इंक्रीजेस विथ हाइट ट्रोपोस्पियर जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है बताओ जल्दी ये अगर गलत कर दिया ना तुम लोगों ने तो देख लेना फोर्टी फाइव ए किसने दिया ये आंसर दीपक आई एम वेरी दीपक जाकिन ने सी दिया है. Okay. दीपक वेरी गुड यू आर गिविंग वेरी गुड आंसर्स एंड आई थिंक ऐसे अगर मेहनत करोगे आपका एग्जाम निकल जाएगा मैं बता रहा हूं आपको देखो यार

ऐसे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। एक्सोस्पियर इज द अपर मोस्ट लेयर। इट एक्सटेंड अबो फोर हंड्रेड किलोमीटर एंड गैसेस आर वेरी रेयर ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अब इसका बता आंसर पूछा देखो क्या है इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर आपको देखना ठीक से बताना है 46 E. How come E incorrect has been asked? All the statements are correct here. D is the answer. Deepak is correct actually again. Anand is also correct. Now, answer is ho D is the correct. All the statements are correct. Yes, atmosphere extends to 400 km. And gases are sparse. Yes, in the exosphere. Then comes the statements related to water clouds. आइस क्रिस्टल क्लाउड्स एंड मिक्स क्लाउड्स दे आर वॉटर क्लाउड्स कंपोज ऑफ वॉटर आइस क्रिस्टल्स दे आर अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड मिक्सड आर मेड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अगेन येक्ट है वेरी इजी क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबो इज यूर आंसर यर ठीक है डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है की वर्ड सिंपल स्टेटमेंट है नो नीड फॉर डिस्कशन कंसिडर फॉलोइंगेटमेंट रिगार्डिंग टू लैंड लेवलिंग इट ज अ मेजर यूज फॉर सरफेस इरीगेशन सच एज बेसिन एंड फोरो इरिगेशन प्रिपेरिंग इरिगेशनल प्लॉट एंड एंश्योरिंग ऑप्टीमल स्लोप ऑफ वॉटर मूवमेंट थ्रू आउट द फील्ड वेन इट इज इरिगेटेड तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स अगर मैं फोर्टी एट में देखू लैंड लेवलिंग अगेन हम कौन से टॉपिक पे है एग्री इंजीनियरिंग एंड मैकेशन टॉपिक पर है ओके तो लैंड लेवलिंग की जब हम बात करते हैं ओवरऑल आई फील ऑल द स्टेटमेंट्स यूर करेक्ट पूछा आपको ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देर फॉर डी इज योअर एंसर फोर्टी सेवन फोर्टी एट चल रहा है डी इज योअर एंसर दीपक वेरी गुड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडीजीनियस प्लो दिस इज अं इंस्ट्रूमेंट इंडिजीनियस प्लो क्या होता है लकड़ी का जो आपका प्लो होता है दिस इज योर इंडीजीनियस प्लो It is of V-shaped furrows with 30 to 40 centimeter top width and 80 to 85 centimeter of depth. It is animal-drawn plow and penetrates into the soil and breaks it open. And beam is long wooden piece which connects the main body of the plow. Correct. I feel here whatever the question is, okay. I feel personally that this second is correct. Third is also correct.

सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मोल्ड बोर्ड प्लो मोल्ड बोर्ड प्लो मतलब ऐसा एक पट्टी फट्टा होता है फ्लैट बोर्ड विच इज यूज अगेन फॉर लेवलिंग एज वेल एज फॉर प्लोइंग एक्टिविटी ओके फर्स्ट थिंग इज प्लोइंग अकाउंट फॉर मोर अट्रैक्शन एनर्जी देन एनी अदर फील्ड ऑपरेशन करेक्ट को सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है दैट इज रिसेंटली इन देन एनिमल्स वी यूज मोल्ड बोर्ड आर अवेलेबल फॉर एनिमल्स पावर टील ट्रैक्टर ऑपरेशन एक्सेट्रा दैटो ट्रू फ्रॉग इज एन एडजस्टेबल एक्सटेंशन विच कैन बी फास्टर्न टू रियर अ मोल्ड बोर्ड टू हेल्प इन टर्निंग स्लाइस ओके नाउ दिस थर्ड स्टेटमेंट हियर इज एक्चुअली रॉन्ग एंड दैट इज वाई योर एंसर इफ यू सी योर एंसर इज

स्लाइस क्या होता है गड्ढा होता है जो गड्ढा खोदने का राइट नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लो यहां पर प्लो की पूरी लिस्ट दी गई है चीजल प्लो इट इज यूज टू कट ए कट दी हार्ड सॉइल्स बाय द मीन ऑफ नंबर ऑफ नैरो टाइम्स डिजाइन टू पेनिट्रेट द सॉइल एट डेप्थ रोटरी प्लो फॉर प्लोइंग एंड कटिंग एंड पल्वराइजिंग द सॉइल बताओ इसका आंसर क्या है फिफ्टी वन दीपक ई दीपक सेज ई दैट ऑल ऑफ द अबो आर करेक्ट वर्धमन सॉरी दीपक है चेंज द आंसर दीपक बोल रहे डी वर्धमन भी बोल रहे डी दीपक गूगल सर्च किया क्या बताओ डी इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली लेट्स सी चीजल प्लो यूज टू कट द हार्ड सॉइल बाय द मीन्स ऑफ नैरो नैरोस द क्वेश्चन वाज़ आस्ट इनकरेक्ट एंड नन ऑफ द अबो इज द आंसर बिकॉज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सब सॉइलर जब भी आपके नाम याद आए इट इज यूज टू पेनिट्रेट द सॉइल एट डेप्ट एंड फॉर अचीविंग अ नॉर्मल प्लो ऑपरेशन जनरली एरिड सॉइल्स में द अपर सरफेस इज देयर कीपिंग इट इन टैक्ट एंड डिगिंग द सॉइल इन द सब सरफेस रोटरी प्लो इट इज अ अनाइज इक्विपमेंट विच इज यूज टू कट एज वेल एज पल्वराइज द सॉइल पल्वराइज इन द सेंस टू मेक द बोल्डर्स इन टू फाइनर सॉइन सॉइल और ग्रेनी मटेरियल एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर कटिंग द सॉइल्स Into different boulders. Consider the following statements related to tillage implements. Tillage. First is bodella, puddler, and acme harrower. Okay. Let's talk about bodella. What is it? It is used for churning the soil with standing water while preparing fields for paddy, transplant, uh, paddy transplantation. Puddler is a twin blade harrow used in southern region and acme harrow is special type of animal drawn harrow having transfer horizontal framework it acts as a knife tooth harrow now when we are talking about these all the three equipments you should have the images in front of you then only you can answer this question अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते आपको इक्विपमेंट्स याद होने चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट कैसा है ओके इन करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछे गए हैं एक में हेरो की अगर मैं बात करूं यस इट इज अ एनिमल ड्रोन हेरो एंड इट हैज अ ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल फ्रेम जनरली इट इज लाइक अ कर्व्ड नाइफ टूथ व्हिच इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग द सोइल तो ऐसा होता है ठीक है सो थ्री इज करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर एक्चुअली वन एंड टू लेट सी बोडेला इज अ ट्विन ब्लेड हैरो यूज इन साउथ इंडिया रीजन एंड पडलर पडल पडलिंग मतलब क्या पडल मतलब मिट्टी का जो एक यस इंटरचेंज किया गया है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को सो पडलिंग इज नथिंग बट वॉट सेमी सॉलिड वॉट लिक्विड happens of the mud and that mud if you churn that moment is called as puddling that activity is called as puddling so puddlery is used for churning the soil and water together for preparing muddy solution waterlogged condition which is very good for paddy consider the following statements related to tractor already tractor ke upper pichle saal ek question aa chuka hai 2021 mein isile ye tractor ka question maine फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ ट्रैक्टर मशीन आर ऑल्सो नोन एज टगर्स रोटरी टीलर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वॉकिंग ट्रैक्टर्स ठीक है गार्डन टाइप ट्रैक्टर्स फॉल इन दावर रेंज ऑफ वन टू टेन हॉर्स पावर बहुत ही फैक्चुअल डेटा है लेकिन आपको यह करना ही होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे है तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर्स आर डेफिनेटली कॉल्ड स्टगर्स दैट्स राइट इतनी हिंट दे देता हूं कमॉन्ग इज गिव द आंसर क्विक जल्दी खत्म करते नो बडी इज गिविंग द आंसर एक्चुअली ईयर इज द आंसर बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक बार देखो industrial tractors are called as tuggers rotary tillers whatever are there generally rotary tiller is not a tractor but it is called as walking type of tractor because you can take the rotary tiller and you can walk and you can till the soil rotary tiller generally ade tractor jaisa hota hai and here like this is there which you can hold and you can till garden type tractors fall into the range of 1 to 10 horsepower जनरल ट्रैक्टर की कितनी हॉर्स पावर होती है ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू थर्टी फाइव होती है ठीक है ट्वेंटी टू थर्टी फाइव हॉर्स पावर कंसिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर रिलेटेड टू ट्रेडिशनल स्टोरेज यूनिट स्ट्रक्चर वेर कहां पर आ गए स्टोरेज यूनिट मतलब कौन सा चैप्टर हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग इस टॉपिक के ऊपर आ गए फर्स्ट इज मोराई टाइप ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स second is bukhari type of storage structures and third is kothar type of storage structures morai storage of paddy rice jowar in rural areas of eastern and southern region bukhari wooden house like structure raised by on pillars and cylinder shaped sorghum structures for storing sorghum wheat paddy and maize it's your kothar type these are the match the followings you have to find out which is correct which is wrong यस वन इज करेक्ट बिकॉज कोठार इज नथिंग बट वुडन हाउस एंड बुखारी इज द सिलेंड्रिकल शेप अल्टर चेंज किया है सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर देयर फॉर यू कुड सी बुखारी इज योर सिलेंड्रिकल कोठार इज योर वुडन हाउस कोठार इज फ्रॉम महाराष्ट्र बुखारी नॉर्थ इंडिया एंड मोरा इज ऑल्सो अगेन यूज इन दैट ओनली रीजन ओके कंसिडर इोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेडिशनल स्टोरेज यूनिट स्ट्रक्चर पूाबीन दूसाबीन दैट इज ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मड सी ए पी स्टोरेज स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स एंड बंकर स्टोरेज यूज फॉर कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज यहां पर भी इंटरचेंज किए गए हैं एक बार देख लो इजी है क्वेश्चन

मॉडर्न स्टोरेज स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल हो गया मॉडर्न पे चलो पहला है साइलो टाइप दूसरा है शैलो बीन्स तीसरा है डीप बीन्स ठीक है पढ़ लो साइलो टाइप नथिंग बट मॉडर्न फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग ग्रेन इन बल्क आर साइलोज शेलोबीन ग्रेन और बीन्स रेफर्ड एज शेलोबीन एंड डीप बीन्स आर नथिंग बट ग्रेन और बीन्स रेफर्ड टू एज बीन डीप वेन द डेप्थ ऑफ ग्रेन इज ग्रेटर देन इक्वलंट डायमीटर पढ़ के बता दो इज इट वॉट वुड वॉट शुड बी द आंसर पूछा गया है आपको इनकरेक्ट ये भी याद रखना 56 का आंसर बताओ साइलो वॉट साइलोस दीज आर वर्टिकल टॉल टॉवर्स इन विच ग्रेन्स आर स्टोर्ड वॉट आर शेलो बीन्स दीज आर नथिंग बट दीज आर बीन्स स्मॉल बीन्स इन विच ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑलवेज रिमेंबर द डेप्थ ऑफ द ग्रेन इज लेस Or equivalent to its diameter. That means what? These are short heighted beans. This much, this much, this much beans. Okay? Even from small heighted or small size, these can be even bigger like a house. But the height is always close or lesser than the diameter of its circle. So, and then comes deep beans. These are nothing but the depth of the grain is greater than the equivalent diameter. So, deep beans are nothing but Bins which are having again greater height, but these are not tall towers but underground. Okay. So these are your deep bins, none of the above becomes your answer. Which of the following is not type of furrow opener? Which type of following is not type of furrow opener? Shovel type, shoe type, disc type, brush fit type, none of the above. ई आर गिविंग स्लो डोंट गिव आंसर स्लो जल्दी देख के ही पता होना चाहिए विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉरो ओपनर का फॉरो ओपनर इन द सेंस डिगिंग के कंटेक्स में पूछा है यहां पर सो कौन सा इक्विपमेंट है जो डिगिंग के लिए यूज नहीं किया जाता सिंपल लॉजिक सिंपल शोवेल इज टू डिग शू टाइप इज ऑल्सो डिग डिस्क ऑफकोर्स डिस्क एंड एवरीथिंग फॉर डिगिंग So, therefore, brush fit type will come which is not used as a furrow opener. So, D is your correct answer. Then comes question number 58. Blanching, it is also known as scalding, parboiling or pre-cooking. Again, blanching is related to heating. Syruping is nothing but solution of sugar in water called as syrup. And exhausting is removal of air from the cans. That is known as exhausting. All the three statements are very correct, uh, very easy to understand, as well as these are correct. That's why all of the above would be your answer. Then, match the pairs has been given nitrogen, phosphorus, potassium. And here, deficiency disease has been given. I already discussed with you in last class. And now, today, I want an answer from you guys. Nitrogen is associated with the yellowing of the older leaves, that is correct. It then later turns into brown color. Plant growth is also very less, correct. Phosphorus is also associated not with yellowing but rather plant growth will be slowed and stunted. Older leaves become purple in color, always remember purple for see, purple color phosphorus, P for purple, P for phosphorus. And potassium is always associated with yellowing of the margins of the lower lips as well as dead spots or necrosis becomes prevalent. So, 2 and 3 are exchanged here, therefore, A becomes your answer. Consider the following statements related to vertisols soils. I already told you volcanic origin soils, where you could see that overall horizontal profile of the soil. Is not that well developed because the whole, all the profiles are of the same structure and same content. Overall, this soil, if you see, whatever black regular soil is there that originates from vertisols. Deccan plateau is made up of vertisols, and now you give me the answer to this question, question number 60.

and third important thing is that these have high clay content because of which they expand and they shrink then comes the statements related to soil color okay? soil color related statements the top soil is usually lighter in color than lower layers because in lower layers what is there the organic matter accumulates the soil color are used to infer pedogenic processes in soil pedogenic in the sense how the soil are originated and white color in soils are free from silicate and salts three statements which of the following is correct and options have been given to you soil color tells you what is the origin of the soil that is correct white color tells you

Then the upper layer of the soil would be much more darker than the lower layer. Now, that was our answer, that is why our answer comes out to be 2 and 3. We consider following statements related again to the soil color. Again, a question: red soil, yellow to yellow brown, and brown soil. Red soil, when we are talking about iron compounds in this soil, are in hydrated form and therefore they do not produce rusty colour. येलो टू येलो ब्राउन दिस कलर इंडिकेट्स गुड ड्रेनेज एंड ब्राउन इज एसोसिएटेड विद द मॉडर्न ऑर्गेनिक मैटर कबॉन सिक्सटी टू का आंसर दे दो जल्दी करेक्ट क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट्स पूछे ठीक है लॉजिक देखो अभी सी येलो टू येलो ब्राउन सॉइल ऑल द सॉइल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हेन वी आर रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो इधर आयरन ऑक्साइड है मैंने पहले बताया आयरन ऑक्साइड जहां पर भी होता है सॉइल का कलर रेड होता है सो देर फोर ये जो स्टेटमेंट है वो इधर चली जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ब्राउन स्टेटमेंट इज दिस बिकॉज द ब्राउन कलर इन द सॉइल दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द रस्टी कलर दैट इज बिकॉज ऑफ द वेल हाइड्रेशन ओके And also iron components which are well hydrated, those transfers the red colour into the brown colour. Okay. Red colour into brown colour. The yellow or yellow brown colour is indicates grew good drainage as well as a little higher oxygen content. So 2 is correct, 1 and 3 are interchanged. So that is why our answer comes out to be 2, uh, two that is C. क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इफ वी कॉल अबाउट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री कोई डाउट है कोई आंसर ही नहीं दे रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिंसिपल टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर आपका एक क्वेश्चन प्लेटी द पेड्स एग्रीगेट आर अरेन्ज इन रिलेटिवली थिन वर्टिकल लेयर्स और प्लेट करेक्ट प्रिजमेटिक वर्टिकल ओरिएंटेड एग्रीगेट्स और पिलर्स एंड ब्लॉकी ओरिजिनली एग्रीगेट दैट है स्टेटमेंट आर आस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट द प्लेटिंग वन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट इफ यू सी जल्दी बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ इज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट ट्राई टू टेल मी प्लेटी द पेड्स पेड्स इन द सेंस द एग्रीगेट मटेरियल आर रिलेटिवली हैविंग थिन वर्टिकल लेयर्स इज इट वर्टिकल वर्टिकल मतलब ऐसे प्लेट मतलब क्या होता है लेयर्स होते हैं ना ऐसे प्लेट लाइक सॉइल चिप्स जो पुट्टी हम बोलते हैं देयर फॉर धिस फर्स्ट स्टेटमेंट आई डोंट थिंक इट वुड बी करेक्ट ओके फर्स्ट स्टांस में लगता है कि करेक्ट है पर नहीं वर्टिकल नहीं हॉरिजोंटल लेर है सो इलिमिनेट वन इलिमिनेट 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 यूर लेफ्ट विथ टू एंड थ्री एंड नन ऑफ द अबो एंड वेन यू लुक एट प्रिजमेटिक इट इज वर्टिकली ओरिएंटेड और लुक्स लाइक अ पिलर एंड दैट इज योअर करेक्ट एंसर इफ यू सी सी इज द करेक्ट ब्लॉकी प्रिजमेटिक दीज टू आर करेक्ट platy is actually wrong. Then comes question number 64, consider the following statements which related to windbreaks and shelter beds. Windbreaks are such structures which break the wind flow and reduce the wind speed and shelter beds are used for the protection of the crops against the winds. It reduces the speed by 20 to 30% on leeward side and generally, it contains of single line of trees spacing 1 to 5 to 2 meters. Overall, if I talk about which statements are incorrect that has been asked. Okay. Answer the do 64 E is the answer. इनकरेक्ट पूछा है तुम फर्स्ट जाओगे मैं पहले बता रहा हूं द आंसर इज डी एक्चुअली ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग टेल यू ये देखो यहां पर विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेट बेल्ट लिखा है द सेम स्टेटमेंट द डेफिनेशन हैज बीन एक्चुअली विंड ब्रेक्स आर द स्ट्रक्चर हु आर यूज टू ब्रेक द विंड फ्लोस एंड रिड्यूस द विंड स्पीड एंड शेल्टर बेल्ट आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप अगेंस्ट द विंड के नो नो करेक्ट करेक्ट जाकिज करेक्ट ई इज द करेक्ट आंसर ईयर ओके मन ऑफ द अबोई आएगा सॉरी ई इज द करेक्ट आंसर ईयर माई बैड ई इज द करेक्ट आंसर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जाकिज ऑल्सो करेक्ट ओके वेरी गुड Wind speed, how much it is correct, corrected or changed on the lever side? 20 to 30 percent. Consider the following paragraph. Now, paragraph based questions are there a lot. So I want you all to concentrate, read the paragraph and give the answer. Jakeen Deepak, Anand Marshy soils are there, okay. In marsh, okay, in marshy lands, these soils are there, okay. Which type of soils are there? The overall paragraph talks about that only, okay. Soil is acidic in nature and sometimes they are alkaline also. And you all guys are correct actually, the answer is PT. No, this is wrong actually the answer is pt only the answer is pt okay the answer is pt here the d is correct answer okay consider the following statements related to terracing 66. Terracing is a practice of cheating near creating nearly level areas in hillside areas. Terraces are protected from erosion by the soil barriers and it protects the soil from erosion. It is one of the ways by which soil erosion can be stopped. Incorrect has been asked, all correct. Tell me which of the options is correct. and d is the correct answer yes very good question number 67 india has estimated 0 0.6 million hectare of water that has remained unutilized for fish production okay this type of fishing is done in marshes swamps and more importantly in the areas of west bengal kerala bihar assam okay overall it has been also associated with the reclamation of the land okay now tell me which type of fishing or fishing culture विच वी आर टॉकिंग अबाउट मार्श कल्चर वेटलैंड कल्चर स्वैम कल्चर लीवर एंड कल्चर और लेक कल्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पैराग्राफ पहले पढ़ लो ठीक से आराम से ओके okay? दीपक ने आंसर दिया है दीपक कहता है स्वैम कल्चर सिंपल सी बात है वेटलैंड जहां पर भी सुंदर जो डेल्टा जैसे इंटरमीडिएट रीजन बिटवीन बॉडी तो वहां पर अगर हम क्या कहेंगे उनको हम कहेंगे स्वयं कल्चर सो सी इज यूर एंसर कंसिडर रिलेटेड टू फिश लाइफ साइकिल पहली स्टेज एग होती है दूसरी स्टेज आपकी लार्वा होती है तीसरी स्टेज आपकी फ्राई होती है एंड वॉट हैपन्स इन ईच स्टेज लेट लुक एट इट एंड ट्राई टू फाइंड द एंसर सो द एग स्टेज टाइनी एम्ब्रियो डेवलपमेंट द एग करेक्ट द लार्वा स्टेज आफ्टर द एग एचेज द लार्ज लार्वा कम्स आउट ऑफ द एग दैट हैज योग सैक अटैच टू द बॉडी एंड फ्राई स्टेज फिश इज फुल्ली ग्रोन विद बॉडी पार्ट एंड इट सेक्चुअली मेच्योर नहीं नहीं इतने जल्दी डायरेक्ट सेक्चुअली मेच्योर कैसे बनेगा

It goes to a young or mature stage. Okay. It goes to a young or mature stage. After fry, it becomes fingerling. After fingerling, it goes to the mature stage. And then, afterwards, that it becomes sexually matured or reproductive. Okay. X family. X is the fish. Okay. This is fish. From the family of Scombridae it is the largest and most specialized commercial important fish okay it is unique among the fish because of its body temperature which is several degrees higher than the other ambient waters overall 19% of this x fish is there it is found in the indian ocean rest of the 71% you could 81% you can find in pacific and most importantly the famous breed of this fish is Atlantic breed, Atla Atlantic X fish. Tell me which type of X fish we are talking about. Question number 69. B. Deepak, yes, tuna is the correct answer. Tuna is the fish which we are talking about. 19% comes from your. Indian Ocean and almost 71 81 percent comes from your what are all the Pacific and Atlantic tunas. Again, a question on fish X is a fish which is found in the fast flowing rivers. Next thing is nothing but it is also found or it survives in shallow salt water environments. These are bottom feeders, again, a main part. रिड्यूस गैस ब्लैडर हैवी बोनीड एयर ब्रीदिंग फिशेज सच एज मगूर एंड सिंगी इनहेबिट दिस इन द शो वॉटर विच टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश वी आर टॉकिंग अबाउट नाम से ही पता होगा दिस इज यूर कैटफिश शेलो वॉटर एक बार आ गया सलाइन वॉटर आ गया जो मिट्टी में रहता है सकिंग करता है दिस इज यूर कैटफिश कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डीप सी फिश

इसका आंसर इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने ठीक है इनकरेक्ट उन्होंने पूछा है इफ यू सी ऑल द स्टेटमेंट हेयर आर करेक्ट डीप सी फिश आर देयर दे लिव इन द डार्कनेस ओके विच इज बिलो द और फोर्टिक जोन जनरली दीज वॉटर्स लिव ऑन द सी फ्लोर एंड सच फिशेस आर कॉल्ड एज बेंथिक फिशेस विच लिव इन टोटल डार्कनेस एंड एक्साम्पल्स ऑल वुड वॉट एवर फिशेस एक्साम्पल्स वेर गिवन दे ऑल वेर करेक्ट consider the following statements principle of integrated fish farming involves the involvement of livestock and agricultural crops it enables effective utilization of available farming space okay? apart from that fish culture in combination with agricultural livestock is unique and lucrative venture so 1 2 3 are the statements and if you see incorrect has been asked so none of the above are incorrect and therefore all statements are correct here all the statements of integrated farming are correct identify the brackish water fish from the following description this fish is also called as mean famous fish from kerala which is grown in the traditional ponds and backwaters it is also called as freshwater pomperet it is also called as freshwater pomperet. Tell me which type of fish we are talking about. The answer here is which fish is called as karimeen? Come on fast. Famous from Kerala. This is nothing but pearl spot so sperl spot is the fish which is also commonly known as karim from kerala then consider the following statements docking is nothing but removing tail in sheep surra is the disease found in camel and pika is a disease which happens because of the deficiency of the, uh, our mineral of calcium we have to find which statements are correct डॉकिंग इज नथिंग बट येस रिमूविंग द टेल इन शीप सुर्रा इज नथिंग बट येस इट इज अ डिसीज इन कैमल ओके एनिमिया हो जाता है वीकनेस हो जाता है एनिमल्स में पिका वेन बी टॉक अबाउट पिका इज नथिंग बट पी फॉर फॉस्परस एंड पी का पी फॉर पिका दैट इज योअर डिफिशियंसी डिसीज अगेन इन एनिमल्स पिका जनरली हैपन्स इन पोल्ट्री ऑल द हेन्स दे आर ससेप्टेबल टू पिका बिकॉज ऑफ द फॉस्परस डिफिशियंसी Consider the following statements related to our Indian livestock. Indian livestock, if I am talking about, second largest poultry market in the world, second in the population of sheep, and second largest producer of sheep, and second largest aquaculture nation in the world. Which statements are correct? Which are wrong? Please tell me. Correct statements have been asked. Question number seventy-five. Fast, quickly, give me the answer. Come on, guys, give the answer. Come on, Deepak. The answer here is RD 1 and 3 only. If you see what is wrong, India's overall state, we are first in buffalo population we are second in the population of goats. we are second largest pop having population of poultry market. second largest producer of fish and second largest aquacultural nation in the world. third in the population of sheep. fifth in the population of ducks and chicken and tenth in the camel population in the world. and that is why the second statement is wrong. then comes our seventy-fourth question, okay, seventy-fifth question, D, we are correct. Against this is seventy-sixth, I guess. Yes, seventy-sixth question. Consider the following statements on parturition: sheep lambing, goat kidding, dogs whelping, horse farrowing, pigs foaling. Which pairs are correct from the above? quickly tell me which of the pairs are correct and which are wrong how many pairs they have asked is one pair correct only two pair correct three pair, pair correct or more than three pairs are correct the answer here if you see it is see why look at it more than three pairs actually only three pairs are correct. Okay. So, cows, the parturition, giving birth, it's called as calving, sheep, lambing, goats, kidding, dogs, whelping, cats, kitten, horse, fooling, pigs, farrowing, and rabbit, it's kindling. I hope you got the point. Okay. Then comes our 76th question, which is true related to crop rotation. अब इसमें कुछ गलत मत करना इट इज अस्टम ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप इन रिकरेंट सक्सेशन ऑन द सेम लैंड करेक्ट इट इज हार्मफुल इन लॉन्ग टर्म फॉर द सॉइल एंड मैनेजमेंट नो इट्स रॉन्ग इट कैन इंक्रीज द पेस्ट एंड रिड्यूस द न्यूट्रिय नो दैट इज सो वन इज ओनली करेक्ट इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा ठीक है एकदम ईजी टॉपिक था Which of the following describes the passage below? It is a natural process of recycling organic matter such as leaves, food, scraps into valuable fertilizer that can enrich the soil and plants. Leaching, composting, humidification, soil management, all of the above. It is composting. B is the answer. Composting is nothing but the recycling of organic matter, uh, matter and making valuable fertilizer. Again, a paragraph based dash is the process where crop seed will be sown through drillers without prior land preparation and without disturbing the soil where previous crop stubble is present zero tillage conventional tillage operational tillage primary tillage or none of the above very good question 78a yes all are correct zero tillage is that where we do not dig up or we do not do any of the tillage activity we leave the tillage and that's why zero tillage is also called as zero tillage or no tillage or nil tillage. Which of the following is not limitation of organic farming? Not an limitation. It is more labor intensive. Okay. Marketing and distribution channels are not yet efficient, and production costs are higher because farmers need more worker. Which of the following is not a limitation? Correct, 1 and 3 are correct, Deepak is right. Okay. Okay. 1 and 3 are correct because marketing and distribution channels are yes, of organic material, those are not well established. But more labors you are having already, India is a labour intensive agricultural activity. So, therefore, it is helping the organic farming, not a problem for organic farming. Which of the following is not true regarding biogas production technology? A very easy question on biogas technology. Read it. It is an artificial system where you can turn waste into sustainable energy and fertilizer, correct? Substrates like renewable raw material go into digester of biogas plant, correct? It is an aerobic digestion process. It is an anaerobic process, I know that. So, therefore, 1 and 2 would be the correct answer. It is not aerobic, it is anaerobic. Without the presence of oxygen, the digestion or decomposition takes place. Deepak, see. No, no, see why. Here you can see. So, here you could see. Overall, biogas has an activity when we are talking about here. N a big activity or decomposition occurs. I hope you got the point. As a result of fermentation, which gas along biogas is produced as a main ingredient inside fermenters? Methane, sulfur dioxide, oxygen, nitrogen, all of the above. अच्छा क्वेश्चन है वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली मीथेन इज द आंसर एंड दैट इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल फिल इन द ब्लैंक बिलो इन द नेचर देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम्स विच कैन हेल्प प्लांट्स टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स Their utility can be enhanced with human intervention by selecting efficient organisms and culturing them and adding them to the soil through seeds. The cultured microorganisms packed in some carrier material for easy application in the field is called as what? Biofertilizer, biogas production, biopesticide, biochemical, all of the above. Biogas production, no, it nowhere talks about microbes. Biopesticide, it is using microorganisms for Against pest attack, biochemical, preparing chemicals from biological extracts. That is your biochemical. That is why biofertilizer is correct. Where a complete micro microorganism is used and packed along with the soil so that it improves the quality of the soil and its fertility. A is correct. Which of the following is incorrectly matched? Bacterial biofertilizer, Azobacter, fungal biofertilizer, Rhizobium, algal biofertilizer, Azola. एसिनिमाइसाइड्स बायो फर्टिलाइजर दैट इज फ्रंकिया और नन ऑफ द अबू कौन सा यहां पर गलत मैच द फॉलोइंग बताओ जल्दी एटी थर्ड बताओ जल्दी पक से राइजोबियम इज नॉट अ फंगल फर्टिलाइजर वेरी गुड राइजोबियम इज अ बैक्टेरिया इट इज अ बैक्टेरियल बायो फर्टिलाइजर नॉट फंगल वेरी गुड सो बैक्टेरियल फर्टिलाइजर आर राइजोबियम एज अलियम एज अ टू बैक्टर फॉस्पो बैक्टेरिया फंगल बायो फर्टिलाइजर आर माइको रिजा अलगल आर ब्लू गी अलगी And azolla, and azinimites biofertilizer is your frankia. Okay, eighty three B. Ah yes, B is correct. Eighty four. Which of the following is correct about the schemes on organic farming? A difficult question. Okay, so your northeastern region extension of this particular scheme. Okay, related to organic farming is being implemented in eight states of Northeast India since 2013-2014 under Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojana. Organic farming is promoted through adoption of organic village by cluster approach and PGS certification. And APEDA under Ministry of Commerce is the implementing agency of NPOP, who looks after the certification of organic farming if some people have seen my yesterday's class they should be knowing third statement is correct the second statement is also correct the problem would be in the first statement only all of the above is wrong because here here i think it is something wrong here in the year so here if you see look at it mission organic value chain development for northeast region or extension to the northeast region that had started since 2015 2016 not 2014 2015 other than that pradhan mantri krishi vikas yojana also looks after organic farming through various other programming schemes like paramparagat krishi vikas yojana and mission organic value chain development for northeast region apart from that for organic farming npop is the certification scheme which looks into the overall market marketing and uh, marketing and sell of different organic products and its certification consider following statements about organic farming and find which are correct first among all the states Madhya Pradesh has covered largest area under organic certification during 2016 Meghalaya has achieved remarkable distinction in converting इंटायर कल्टिवेबल लैंड अंडर दी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 मोर देन टू परसेंट ऑफ नेट एरिया इन इंडिया वाज़ अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हिच इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ सिंपल टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इसमें भी एक कैच है इसमें भी एक कैच है ठीक है कौन बताएगा इसमें कैच क्या है एटी फिफ्थ क्वेश्चन में ओके मेनी पीपल आर गिविंग डी एज आंसर वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग सौरभ कार्तिक दीपक बताओ सेकेंड स्टेटमेंट गलत क्यों so, है वेरी गुड सिक्किम इज द स्टेट नॉट मेघालय ठीक है बाकी के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है ओके सो ओवरऑल टू थाउजेंड सिक्सटीन सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बिकम कंप्लीटली ऑर्गेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम एम्ड एट मैक्सिमम प्रोडक्शन मैक्सिमेशन ऑफ टाइम मैक्सिमेशन ऑफ एरिया ए एंड बोथ ऑल ऑफ द अबू सिंपल क्वेश्चन जल्दी बता दो फर्स गया लाइक like फर्स गया आप लोग बहुत सारे लोग ऑलवेज रिमेंबर स्पेशलाइज फार्मिंग इज नॉट जस्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इट इज ऑल्सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ टाइम एरिया सो लेट अस सी द आंसर हियर इज ई बेटर यूज ऑफ लैंड बेटर मार्केटिंग लेस इक्विपमेंट एंड लेबर कॉस्टली एंड इफिशियंट मशीनरी टू बी केप्ट इफिशियंट स्किल एंड स्किल्ड लेबर Better management and intensity of production as well as farm records are maintained. This everything happens in this specialized farming as the returns are much more higher than diversified farming. I hope you got it. That is why here the answer comes all of the above. Next question very simple, very easy. Avena fatua comes under which of the following farming systems or it is under which factor of farming system? ज इट अ फिजिकल फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर केमिकल सोशल और मैकेनिकल फैक्टर बहुत ही इजी है ये यस इट इज बी अवेन अफे एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ अ ग्रास ओके इट इज टाइप ऑफ ग्रास दैट्स वाई इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्टर इट इज अ ग्रीन ग्रास विच ओके विच वॉट एवर इज देयर धिस कैन बी यूज इन योअर टोटल Farming systems. Okay. So, overall, this is your grass which has pinnacles of spiclets, then long dark green color leaves, and the seed, whatever seeds are there, those are thinner and darker. Okay. And it is similar to oats. Oats, whatever crop is there, it is similar to that. Okay. So, this is nothing but Avena Fatu is nothing but a type of a oat. Which of the following is correct about the system of rice intensification SRI? Needs 50% more mandates of transplanting and weeding. It offers alternative to resource poor who put in their family labor. Maximum tillering occurs concurrently with pinnacle initiation. बताओ यस दीपक करेक्ट ई इज द करेक्ट आंसर फॉर एस आर आई इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री देर फोर फिफ्टी परसेंट मोर मैंडेट्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग आर रिक्वायर्ड लेबर ऑल्सो इट मोबलाइजेस इट ऑफर्स अल्टरनेटिव फॉर द पुअर फैमिलीज एज यर नॉट यूजिंग इंटेंसिव इनपुट्स बट रैदर वी आर चेंजिंग द मेथड्स थ्रू विच प्लांटेशन इज डन which of the following is described in the passage below it is the approach of farm management which uses it that crops can receive what they need for the optimum health and productivity so when we are talking about when we talk about satellite agriculture such highly technologies which are used which is that agriculture is it permaculture precision tissue aeroponics or intensive farming

दीपक हैज गिवन नाइन क्वेश्चन का आंसर दीपक ने दिया है ए सौरभ ने दिया है डी एंड सौरभ इज और दीपक का क्वेश्चन यहां पर आंसर गलत हो गया ओके सो ए इज़ नॉट द आंसर वन एंड थ्री डी इज योर आंसर सो इफ यू सी लेट्स रीड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियस सीड जो होता है न्यूक्लियर इट इज हंड्रेड परसेंट जेनेटिकली प्योर्ड ओके नाउ इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीडर इंस्टीट्यूट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओके अदर देन दैट ब्रीडर सीड व्हेन आई टॉक अबाउट इट इज अ प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड इन लार्ज एरिया ओके सो न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड आता है देन फाउंडेशन सीड इज अ प्रोजेनि ऑफ ब्रीडर सीड मतलब ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड आता है और फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड आता है और सर्टिफाइड सीड आता है एंड दैट इज वाई इफ यू सी ब्रीडर सीड इज नोन एज मदर सीड नो दैट इज योअर रॉन्ग स्टेटमेंट ब्रीडर सीड आपका मदर सीड नहीं होता है अलवेज रिमेंबर दैट ओके देन लेट्स मूव टू द नाइंटी फर्स्ट क्वेश्चन ओके आई होप यू अंडरस्टूड हाउ द टोटल द टोटल प्रेसिडेंसीज फर्स्ट इज न्यूक्लियर सीड Then is breeder, then its foundation, then is registered and certified. I hope you got it. Nuclear breeder foundation registered certified. 91. The plant geometry refers to arrangement of the plant in different rows and columns in area to utilize natural resources efficiently. Which plant geometry are we talking about? It is used for coconut as well as man crops. So simple, in different rows these crops are planted. Apart from that, if they are planted in in different rows, so here one crop, here one crop, here one crop, alternately if you try to crop it like this so what i can say is that you make just a diagram of it this is your triangle shaped cropping so that is why this is a triangular arrangement coconut also generally it is done triangular arrangement always remember wherever resource optimization or efficient use has to be done you will use such a arrangement which is very far from each other or which has a suitable distance isolation distance is larger and always remember the triangular shape will have isolation distance more than rectangular. Rectangular will have more space than your square. Okay, I hope you got it. Then comes next question 92 Which of the following? अप्रोप्रिएटली फील द ब्लैंक द डैश सीड्स आर वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड मटीरियल डायरेक्टली कंट्रोल बायर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पॉन्सर्ड ब्रीड दे आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग न्यूक्लियस सीड इन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो न्यूक्लियस सीड के बाद क्या आता है मैंने पहले बताया न्यूक्लियस सीड में क्या न्यूक्लियस सीड के बाद क्या आता है बताओ न्यूक्लियस सीड न्यूक्लियर सीड के बाद क्या आता है आफ्टर न्यूक्लियर सीड वॉट कम्स they are produced using nuclear seed breeder seed very good thank god breeder seed is the correct answer nuclear then breeder then foundation then registered certified which of the following statements is true about the krishi vigyan kendra icr has mooted for the idea of it first kvk started at karnal and main objective of kvk is to organize training programs this karnal second statement is wrong because first kvk started at pondicherry okay so d is your correct answer 1 and 3 only so here you could see it was first started at pondicherry the year is 1974 rest all statements are correct which of the following statements are

उसके बाद इट वॉज एस्टैब्लिश इन नाइनटीन एट चेन्नई रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं दीज आर गवर्नमेंट ओन एस सीबी दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ये ऑपरेट करती है एट रीजनल लेवल्स ओके एंड इनको इसका सुपरविजन और रेगुलेशन कौन करता है आर आरबी का ऑफकोर्स आरबीआई करता है ठीक है आरबीआई इसके बहुत अर्बन ब्रांचेस भी होते हैं जरूरी नहीं है कि वो रूरल एरियाज में ही हो याद रखना उसके आजू बाजू में एक स्पेसिफिक एरिया होगा कुछ उसको ही वो ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उससे हम क्या करेंगे एरिया वाइज ज्यादा स्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक करेंगे ताकि ज्यादा ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो सके एंड दिस लीड बैंक स्कीम स्टार्टेड इन 1969 अगेन ओवरऑल ऑल द डेटा हैज बीन गिवन टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया चलो ये बता दो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक like कर देना एंड ऑल्सो रिकमेंड इट रिकमेंड इट वेरी पॉसिबल शेयर भी कर सकते हो मैंने पहले बताया था आज का सेशन एज दिस इज ए आर डी सेकेंड मैराथन एंड वी आर डन विद इट अब हमारी सीधा मेगा मैराथन होगी तो ये जो सेशन था उसमें मैंने इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए रखे क्योंकि डिफिकल्टी वी वॉन्टेड टू लुक एट डिफिकल्टी ओवरऑल डिफिकल्टी देखना चाहते थे अल्दो सम ऑफ द क्वेश्चन कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसे मैंने ट्विस्ट करके डाले थे कि तब हमें पता चला नहीं ये आंसर नहीं आएगा वो आएगा तो जो भी अपने करेक्ट आंसर किए ऑलवेज डेफिनेटली जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें सारे चेंजेस किए होंगे दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है पर नहीं है ये पूछा गया है आपको इनकरेक्ट पूछा है आपने आधे लोगों ने तो इनकरेक्ट भी देखा नहीं होगा इफ दे हैव टू फाइंड आउट विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ आई एम टू लुक आई एम लुकिंग एट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वुड बी ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट दैट इज योर थर्ड स्टेटमेंट ओके सो लुक एट योर द इंडियन कॉपोरेशन हैज इट्स ओरिजिन इन योर नाइनटीन सेंचुरी ओके द कॉपरेटिव मूवमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज अ स्टेट पॉलिसी एंड overall it started with cooperative society act of 1904 the father of cooperative movement in india was f nicholson and there is no provision of formation of non credit societies in 1904 act so 1904 में तो स्टार्ट हुआ फादर भी आपके एफ निकलसन थे लेकिन ये जो तीसरा स्टेटमेंट है कोई भी प्रोविजन दिया गए, दिया नहीं गया है कि आपको नॉन क्रेडिट सोसाइटीज को आप स्टैब्लिश करो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट ये एक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नाइनटीन जीरो फोर वाई बिकॉज सारे आर सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये सारी

सुमेधा दीपक सौरभ जाकिन सौरभ आरची यस दी इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज नथिंग बट इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन की विलेज स्कीम सो इट स्टार्टेड इन 1963-64 1963-64 में स्टार्ट हुआ इट इज नथिंग बट स्कीम, लुक्स ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ वॉट एवर डोमेस्टिकेशन एंड लाइफ स्टॉक इज देर सो फ्रॉम कैटल ब्रीडिंग कैस्ट्रेशन वेटरनरी केयर रजिस्ट्रेशन सब्सिडीज फीड एंड फॉर्डर एज वेल एज डेयरी एक्सटेंशन ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन यूर इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट विच लोकेशन कोची हैदराबाद चंडीगढ़ न्यू दिल्ली, बैंगलोर एक इजी क्वेश्चन इतने सारे डिफिकल्टी क्वेश्चन के बाद इतने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद एक ईजी क्वेश्चन And B is the correct answer because it is located at R, Hyderabad, in 1976. Which of the following will correctly fill in the blanks? In 1908, Dash, under this scheme of rural development work, started a youth organization in villages. In Kaligram Pargana, in his Zamindari, West Bengal districts, he tried to create field workers who could identify themselves. विद पीपल एंड इनटीन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट एट शांति निकेतन इन कोलेबरेशन विद एल के फर्स्ट ग्रुप ऑफ एट विलेज वॉट द सेंटर ऑफ द प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम वॉज कॉल्ड एज शांति निकेतन एक्सपेरिमेंट और प्रोग्राम विच इज दर नाइनटी एट का एंसर दे दो यहां पर बी रविंद्रनाथ टगोर एंड शांति निकेतन नाम सुनकर आपको पता लग गया कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी है दिस इज करेक्ट बट ऑलवेज यू कैन सर्च एंड रीड अबाउट दिस शांति निकेतन एक्सपेरिमेंट और प्रोग्राम इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम विच इज द इंपॉर्टेंट स्कीम और पार्ट और फ्रेमवर्क ऑफ आवर एग्री एक्सटेंशन इन इंडिया महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात the answer here if you see first time the training and visit system was introduced by daniel binor and this was started in the Gangai districts of uh, sorry the div, divisions of ramnad district in tamil nadu not in rajasthan in tamil nadu ओके गाइज यू क्रॉस चेक इट विथ स्टेट इज इट ओके राजस्थान तमिलनाडु वेस्ट बंगाल आई एम गेटिंग मल्टीपल एंसर्स सो दट इज यू टू क्रॉस चेक ऑन इट लास्ट क्वेश्चन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एग्री एक्सटेंशन लास्ट क्वेश्चन ओके वर्ल्ड बैंक सौरभ यू आर सेइंग वर्ल्ड बैंक नॉट वेस्ट बैंक नॉट वेस्ट बंगाल ओके so tamil nadu is the correct answer last question what is agri extension it is applied science derived from the research it aims to providing knowledge to the rural people correct and it helps in decision making last question we end our marathon here it is applied science derived from research that is correct Aims at developing knowledge to rural people, correct, and it helps in decision making. That is also correct. All the statements are correct. And here, extension education has come out of your research. It looks after providing certain knowledge, experiments, methods, technology, sharing those with rural people. It is making more agricultural uh, aware and education spread to the grassroots level. And more importantly, it helps in decision making by taking it right. So, thank you very much. See you next time. ओके, ओकेर आर एआरडी मैराथन फिनिशे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ओके इफ यू लाइक द मैराथन प्लीज शेयर इट एज पॉसिबल ओके सब्सक्राइब टू द चैनल आल्सो एज वेल एज गिव अ लाइक। अदरवाइज फिर अच्छा ऐसा कंटेंट आपको कैसे मिलेगा बाद में ठीक है थैंक यू वेरी मच सी यू नेक्स्ट टाइम